सभी को मेरा नमस्कार और वेलकम एवरीवन। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और उस बात को करने के लिए हमारे साथ हैं मिसेज अर्चना अग्निहोत्री जी, जो कि पिछले बहुत सालों से इस विषय पर बात करती आ रही हैं बच्चों के साथ और बहुत सारे वर्कशॉप्स वगैरह लेते आ रहे हैं। आप जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं और यूएसए में थे, आप साथ में सर यूएसए में थे और सर आईआईटी पास आउट है और आप दोनों वहाँ पर जॉब कर रहे थे बहुत अच्छी। उसके बाद आपको लगा कि इंडिया में आकर हमें कुछ काम करना चाहिए और काम करना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं, हमने खुद ने ये महसूस किया है, हम कहीं ना कहीं तो खुद उस कहीं ना कहीं उस बचपन में उस जगह से पास हुए हैं जब हमारे साथ भी कहीं ना कहीं वो इशू आया था और हमने उस चीज को नहीं बताया था। तो वो बात है चाइल्ड अब्यूज की। बच्चे जब छोटे होते हैं तो बता नहीं पाते हैं कि हमें क्या इश्यूज हैं हमारे साथ। तो हम अगर कुछ किसी ने कुछ हमें गलत कहने की कोशिश की है या हमारे साथ किसी ने गलत करने की कोशिश की है तो हम खुलकर उसको बात नहीं कर पाते हैं। चाहे वो हम ज़्यादातर बात करते आए हैं इस विषय में बेटियों की, लेकिन बेटे भी उतना ही ज़्यादा इस चीज़ को भुगतते हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ अर्चना जी का इस फोरम में और उसी के साथ सभी बच्चों का जो कि आज इस फोरम में हमारे साथ जुड़े हैं, उसके साथ साथ न्यू फ्यूजन की पूरी टीम का और जो भी मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं। और हम कोशिश करेंगे कि पूरा सेशन जो है इंटरैक्टिव सेशन हो। आप लोग बहुत सारे आपके मन में प्रश्न उठ सकते हैं, उन प्रश्नों का जवाब आपको मिले या आपके शायद प्रश्न ना आए, लेकिन आप उस चीज़ों को सोचें। तो जो भी सोचेंगे, जो भी लेके जाएंगे, ओपन माइंड से आप लोग यहाँ पर बैठिएगा। और उसी के साथ मैं अर्चना जी का स्वागत करती हूँ। तो ओवर टू अर्चना मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। थैंक यू अनुभूति जी, बहुत ही हमें खुशी हो रही है आपकी टीम से मिलके, और सारे इतने वाइब्रेंट दिख रहे हैं मुझे कि मतलब मन कर रहा है मेरा आप लोगों से जल्दी से अपनी बात रखने का। और इस न्यू फ्यूजन का बारे में मैंने जब नेट पे पढ़ा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आप लोग इस लेवल पे जाके कर रहे हैं कि एक एक बच्चा आपके लिए पूरे जीवन की तरह उसको आप लोग अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग का जो काम है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आपके लिए हर एक बच्चा एक पूरा कंप्लीट जीवन, पूरा एक पूरा उसके इम्पोर्टेंस है, वो एक बहुत बड़ी चीज है जो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ये सच्चाई है और हम भी इसी को में विश्वास करते हैं कि हर बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी बच्चा कम नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी अनुभूति जी इतना बड़ा काम करने के लिए और बच्चों के बारे में इस तरह से सोचने के लिए, क्योंकि अधिकतर लोग बच्चों को वैल्यू ही नहीं देते। बच्चा है क्या? अगर माँ बाप है तो वो उनका बच्चा है, अगर समाज है तो अरे एक बच्चा है, लेकिन ये नहीं जानते कि पूरा जीवन है वो जो आगे चल के एक समाज बन रहा है। बिल्कुल। और इसके लिए हमें बहुत खुशी है आप लोगों से जुड़ने की। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लोग बाल यौन उत्पीड़न के ऊपर काम करते हैं, बच्चों के साथ होने वाला ये जो अपराध है ये बहुत ही दर्दनाक और दुखदायी तो है, ये बच्चे की पर्सनालिटी को असर करता है और बच्चा जो कि कल का एक पूरा समाज बनेगा वो कैसा बनेगा यहीं से फर्क पड़ने लगता है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज से खत्म हो। हमारे देश को कमजोर करने में इसका बहुत बड़ा रोल समझ में आता है मुझे, इसीलिए मैंने ये मुद्दा उठाया है। और मैं चाहूंगी कि आप लोग इसके बारे में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देखने की कोशिश करें, और उसमें अगर आपको कुछ गलत फहम लग रहा हो कि हम कुछ ऐसा बोला जो आपको आपके पास उसका काउंटर हो तो आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट, क्योंकि मुझे उससे अपने को इम्प्रूव करके ज़्यादा सेवा करने का मौका मिलेगा। तो मैं आप लोगों के सबके जो है कमेंट चाहूंगी, चैट बॉक्स में आप लोग कमेंट डालते रहिएगा, मैं बीच में देखूंगी नहीं, लेकिन बीच में जब जैसा कि अनुभूति जी ने कहा कि इंटरैक्टिव सेशन होगा, कभी कभी मैं हो सकता है आप लोगों से हैंड रेज वगैरह कराऊं, तो हैंड रेज चैट बॉक्स में ही डालिएगा जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में आ रही है बातें।
तो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले हमारी एक दो मिनट की वीडियो होगी, उसको देखने के बाद हम अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप सब लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू। समाधान अभियान एक संस्था है जो पॉक्सो के बारे में जागरूकता फैलाती है। पॉक्सो का हिंदी में मतलब होता है बाल यौन शोषण से बचाव। हम लोग समाज के विभिन्न वर्गों को अलग अलग तरीके से उनकी क्षमता के अनुसार पॉक्सो के बारे में जागरूक करते हैं। ये एक गंभीर विषय है, इससे निपटने के लिए हमारा नारा है सशक्त बचपन सशक्त देश, जिसके द्वारा पूरे देश में पॉक्सो के विषय में पूर्ण जागरूकता का अभियान हम चला रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम अपना या किसी भी अन्य साथी का शारीरिक शोषण नहीं होने देंगे। और आपसे निवेदन है कि हमारा सहयोग करके बच्चों को सशक्तिकरण देकर अपने देश को सशक्त बनाने में हमारा साथ दें। धन्यवाद। हमारी एनजीओ जो है, हम लोगों का विजन ही यही है कि हर बच्चे को सेक्सुअल अब्यूज से सुरक्षित रहने का पूरा अधिकार है और उसको सुरक्षित करना हम लोगों का मिशन है। उसके लिए हम लोग कम्युनिटी में जाके सबको इसके बारे में अवेयरनेस करते हैं, स्कूल्स में पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग वर्कशॉप्स करके करते हैं, हर एक को इससे बचने की और इससे निपटने की स्किल्स के बारे में भी बताते हैं। और जो बच्चे सर्वाइवर्स हैं उनको हम लोग रिहैबिलिटेट करते हैं। रिहैबिलिटेट का मतलब उनकी कानूनी लड़ाई लड़ना, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनकी शिक्षा के लिए उनका सहयोग करना, उनके परिवार को, अक्सर ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके परिवार पे भी सदमा होता है और वो लोग जगह छोड़ देते हैं, अपने अपने बिजनेस को, अपने काम को छोड़ के उस जगह से भागते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो लोग, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, जब गलती उनकी नहीं है तो वो क्यों सफर करें, ये हम लोगों की कोशिश है। अभी तक करीब हम लोगों ने 52,000 लोगों के लिए वर्कशॉप्स करी है और इस वर्कशॉप से चाइल्ड सेक्स अब्यूज सर्वाइवर्स वॉरियर्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, जो कि अपने एरिया में जाके इसके बारे में बातें करते हैं और बच्चों को और पेरेंट्स को इसके बारे में जागरूक करते हैं। 2016 में हम लोगों का पहला एनुअल प्रोग्राम हुआ था, जिसको यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अध्यक्षता की थी। 2018 में हम लोगों ने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया था कनॉट प्लेस में, शपथ का, बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए शपथ का, जिसको कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने उसकी अध्यक्षता करी थी। हमारी एनजीओ कई जगह पे काम करती है, आईआईटी दिल्ली के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके संग हम लोग वर्कशॉप करते हैं, उनके संग पैनल है आर्मी पब्लिक स्कूल, अमेरिकन एम्बेसी स्कूल दिल्ली, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ, डीसीपीसीआर, दिल्ली पुलिस, इन सब के लिए हम लोग पॉक्सो की वर्कशॉप्स करते हैं। पॉक्सो मतलब प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। 2019 जुलाई में हम लोगों ने एक ऐप बनाया, मेरी आवाज, इसका लॉन्च डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया था और डीसीपीसीआर ने इस ऐप को अडॉप्ट किया। इस ऐप की दो तीन खासियत है, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं, हम आपको ऐप का लिंक भेजेंगे, अनुभूति मैम को भेजेंगे, जिससे कि वो सबके साथ शेयर कर ले। ये ऐप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में अवेयर तो करता ही है, इसकी रिपोर्टिंग भी करता है। इस और इस ऐप की खासियत दो तीन है, एक तो ये है कि ये अवेयरनेस और प्रिवेंशन दोनों पे काम करता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बच्चे तक इसको आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें बच्चे जो है बहुत ही अच्छे से कार्टून बना बना के है, बच्चों के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, शिक्षकों के लिए है और पॉक्सो एक्ट भी हम लोगों ने इसमें कवर किया है। इसकी रिपोर्टिंग का सिस्टम बहुत अच्छा है, अक्सर ऐप का क्या होता है उसको ऑनलाइन होना पड़ता है अगर आपको रिपोर्ट करना है, लेकिन इस ऐप में खासियत ये बनाई गई है कि इसमें ऑफलाइन अगर बच्चा है तब भी वो रिपोर्टिंग हो सकती है। रिपोर्टिंग के दो सिस्टम है, कॉल भी किया जा सकता है, एक फॉर्म फिलअप करके भी भेजा जा सकता है। मल्टी लैंग्वेज रिपोर्टिंग है, जिससे कि बच्चा जो है अगर हिंदी और इंग्लिश दो में से कोई एक तो भाषा में जरूर ही जानता होगा तो उसमें वो रिपोर्टिंग कर सकता है।
इस ऐप के कुछ खास फीचर्स है, ये बच्चों के लिए जो अवेयरनेस है उसका स्क्रीन है ये, इसमें आप देख रहे हैं सुरक्षित स्पर्श लिखा है कि माँ बाप जब बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बच्चे जब दोस्त आपस में खेल रहे हैं वो सुरक्षित होता है, जब बच्चों को जो है नहलाते हैं माँ बाप वो सुरक्षित होता है, नहलाते समय बच्चों को सफाई सिखाना ये सुरक्षित स्पर्श है। और ये जो है स्क्रीन इस तरह से दिखाई देता है, बच्चों को बच्चों के शरीर के निजी अंग क्या है, मुंह, चेस्ट, टांगों के बीच का सामने का हिस्सा और टांगों के बीच का पीछे का हिस्सा, ये बच्चों के निजी अंग होते हैं जिसको कि स्पर्श असुरक्षित होता है अगर बच्चे को चोटी लगी, अगर चोट लगी है डॉक्टर के पास जाना है तो उसको इन जगहों पे अगर कोई चोट लगी तो बच्चे को दिखाना भी पड़ता है, और फिर बच्चे को अकेले में नहीं होना चाहिए, अगर डॉक्टर के पास जाना है तो बच्चे के साथ जरूर कोई होना चाहिए, ये इस ऐप में प्रेजेंट किया गया है। असुरक्षित व्यवहार क्या है, बच्चे को अकेले कहीं पे लेके जाना, बच्चे के शरीर को के प्राइवेट पार्ट को छूना, बच्चे को अश्लील चीजें दिखाना या ऐसे साहित्य को दिखाना जिसमें बच्चे के या किसी के भी प्राइवेट पार्ट दिखाए जा रहे हो, ये सब बहुत ही सिंपल फॉर्म में रखा गया है। ये देखिए फॉर्म है जिसके थ्रू अगर आप भरेंगे तो आपकी जो है कंप्लेंट पे तुरंत FIR होगी। इस ऐप में एक स्पेशल फीचर डाला गया है जिसकी वजह से ये ऐप ऐसी ऐसी जगह पर रिपोर्टिंग देता है, इसमें फाइल जैसे ही आपने भरा इस ऐप से अपने आप रिपोर्टिंग दो तीन जगह पर हो जाती है, पुलिस इंक्लूडिंग होती है, इसलिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ता नहीं, तो अक्सर क्या होता है पुलिस रिपोर्ट नहीं करती, FIR नहीं लिखती अगर ये इंसिडेंसेस हो भी जाते हैं, अक्सर लोग सफर करते हैं, तो अगर आप ये ऐप यूज करेंगे तो आप रिपोर्टिंग बहुत आसानी से करवा सकते हैं। 1098 चाइल्ड लाइन आप सबको पता होगी अब तो 1098 का इसमें उसका भी ऑप्शन है कि आप उसको भी कॉल कर सकते हैं। ये लास्ट वाला जो है ये वाला अगर बटन टच करेंगे तो आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, वर्कशॉप के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, अपना रिएक्शन दे सकते हैं और इस ऐप को शेयर कर सकते हैं। लास्ट वाला है ये ऐप, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जरूर डाउनलोड करें, काफी हेल्प करेगा। और जैसा कि कहा जाता है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड एंड इट इज ट्रू। तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है क्या और क्यों हमको इससे बचने की जरूरत है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे और हम चाहेंगे कि आप सब लोग भी हमारा इसमें साथ दें कि सेक्सुअल अब्यूज से हम लोग बच्चों को बचाएं। स्क्रीन पे ये फोटो देख रहे होंगे आप लोग को बहुत अच्छी सी लग रही है कि एकदम से प्यार सा आ रहा होगा इतने छोटे से बच्चे को देख के। वैसे ये फोटो जो है कि स्कल्पचर है, एक आर्टिस्ट ने बनाया है, हम लोग एक्चुअल इमेजेस कभी यूज नहीं करते हैं बच्चों की जल्दी। ये एक 28 दिन की बच्ची है, इसकी फोटो को जानबूझ के धुंधला किया गया है जिससे दिखाई न दे। इस बच्ची का रेप हुआ है और अब वो जिंदा नहीं है। कैसे ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत दुख की बात है। अक्सर आप लोग इस तरह की न्यूज न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे प्रिंट मीडियम हो, सब जगह आपको इस तरह की न्यूज दिख रही होंगी। ये सब बच्चों के बारे में न्यूज है, बच्चों के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज हो रही है। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि हम आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बता दें, थोड़ा सा डेटा बता दें कि सेक्सुअल अब्यूज का स्टेटस हमारे देश में है क्या। 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, एक इंटरनेशनल एजेंसी है उसने रिपोर्ट किया था, उस रिपोर्ट को हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक्नॉलेज करता है। उस रिपोर्ट में ये आया था कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रिलेटेड मटेरियल का कंजम्पशन नेट पर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हुआ। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रिलेटेड मटेरियल मतलब बच्चों के अश्लील साहित्य जो होते हैं, बच्चे जिसमें बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में हुआ है 2020 में। एक सरकारी सर्वे हिंदुस्तान में कराया गया था 13 स्टेट्स में, और उसमें पाया गया कि करीब 53% बच्चे सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम पाए गए। और एक बात आपको और बता दें, जैसा कि अनुभूति मैम ने भी बताया कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इसके विक्टिम होते हैं, लड़के भी इसके शिकार होते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो 53% डेटा निकला था उसमें से 57% लड़के थे। लड़के लड़कों का सेक्सुअल अब्यूज लड़कियों से ज्यादा होता है। अक्सर अगर कोई जेल से निकला हुआ कैदी हो, कोई अनजान हो, हम लोग उससे अपने बच्चों को जरूर बताते हैं कि देखो वो गलत आदमी है, उसके पास मत जाओ, ये अनजान से मत मिलो, बात करो, वो तुम्हारे लिए असुरक्षा देगा।
लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो स्टडीज आई हैं उसमें पाया गया है कि 98% टाइम्स बच्चों की सेक्सुअल अब्यूज उनके जान पहचान के लोगों द्वारा या उनके परिवार द्वारा होती है। तो ये भी जो नॉर्म एक हम लोगों के दिमाग में था कि अनजान से बच्चों, ऐसा नहीं है। आपको अपने घर में भी सुरक्षित होने के लिए सीखना पड़ेगा और अपने छोटे भाई बहनों को सिखाना भी पड़ेगा कि कैसे सुरक्षित रहें, हम आपको बताएंगे। और उसके बारे में अगर आप लोग को कोई सवाल होगा तो जरूर डालते रहिएगा चैट बॉक्स में। एक और जो हम लोगों के मन में धारणा होती है कि शायद जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ ही ज्यादा होता है, लेकिन जब स्टडीज आई तो पाया गया कि अमीरों के यहाँ भी बच्चों की सेक्सुअल अब्यूज उतनी ही होती है जितनी की गरीबों के यहाँ। इसका सामाजिक स्तर से कोई लेना देना नहीं है, ये एक मानसिक समस्या है। लेकिन हम आपको सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बताएं उसके पहले कुछ चीजें बताना इसलिए जरूरी है कि ऐसा ना हो कि हम लोग किसी विषय को इतना गंभीर मान के बच्चों का बचपना ही खत्म कर दें। बच्चों को बचपन जीना जरूरी है, उसके लिए माहौल बनाना हम लोग की जिम्मेदारी है। हम सभी लोग बड़े हो चुके, हम सबके घर में छोटे बच्चे आस पड़ोस में हैं, तो हम इसीलिए ये बातें कर रहे हैं कि आप लोग इन बातों को ध्यान रख के उन बच्चों की सुरक्षा में जरूर ध्यान दें। तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए इम्पोर्टेंस ऑफ टच, स्पर्श की महत्व क्या है, छूने से क्या होता है। तो छूने से देखा गया है कि हिंसा की जो भावना है वो कम होती है, वायलेंस की जो टेंडेंसी है वो कम होती है। अक्सर लोगों में जो अपनापन बढ़ता है वो छूने से बढ़ता है। लोगों में एक दूसरे के लिए जो विश्वास होता है वो बढ़ता है छूने से। ये भी स्टडीज आई हैं कि लर्निंग जो जिनको ज्यादा गले लगाया जाता है, ज्यादा सहला प्यार किया जाता है छू के, उनमें पढ़ने की जो क्षमता है, पढ़ने के लिए जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा पाया गया। एक स्टडी की गई थी कंपनी में, दो टीम थी, एक टीम को एक दूसरे को गले लगा के मिलके और बात करना था, दूसरे को नहीं करना था। और जो रिजल्ट आए वो बहुत ही शॉकिंग थे। जिस टीम को गले लगा के छूने छू करके एक दूसरे को बात करने का कहा गया था, उस टीम ने फाइनेंशियल रिजल्ट ज्यादा अच्छे दिए, उस टीम ने ज्यादा अच्छा कंपनी के लिए कमाया। ये आपको जानना इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि छूना कितना जरूरी है एक दूसरे को हम लोग को समाज में। कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस कम करता है ये, अगर हम लोग एक दूसरे को छूते हैं, गले लगाते हैं, प्यार से सहलाते हैं एक दूसरे को, तो उससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, बीमारियां कम होती हैं। तो ओवरऑल वेलबींग के लिए टच इज गुड। कुछ टचेस है जो हम लोग पसंद करते हैं, जैसे माँ पे माथे पे किस करती है, गले पे किस करती है, भाई बहन भी एक दूसरे को गले लगाते हैं, जब टीचर या बड़े बुजुर्ग बड़े लोग हम लोगों के घर के हम लोगों की पीठ थपथपाते हैं, कोई प्यार से हैंडशेक करता है, कोई गले लगा के, जैसे नहीं हम लोग एक दूसरे के बाहें डाल के चलते हैं एक दूसरे के कंधे पे, अच्छा लगता है। एंड इट इज गुड, वी शुड अप्रिशिएट इट एंड वी शुड लाइक इट, इट्स गुड, क्योंकि टच इज गोइंग टू हेल्प यू। लेकिन कुछ टचेस कैसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, समझ में नहीं आते हैं, जैसे कि अननेसेसरली कुछ मसाजिंग स्टाइल में टच कर रहा हो, हैंडशेक कुछ ज्यादा ही अलग तरीके से कर रहा हो रेगुलर तरीके की जगह से, कुछ ज्यादा ही आपकी पीठ थपथपा रहा हो, जगह जगह आपको ज्यादा ही सहलाया जा रहा हो, कुछ खास तरीके से हैंड होल्ड करें या आपको इस तरह से किस करें जिसमें कि आपको अनकंफर्टेबल लग रहा हो, जरूरत से ज्यादा टिकल कर रहे हो, तो ये सब कंफ्यूजिंग टचेस हैं। और आपको अपने छोटे भाई बहनों को भी बताना चाहिए कि इनको नहीं होने देना है, इनको रोकना है। ये टचेस हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, परेशान भी करते हैं। अभी तक सेक्सुअल अब्यूज के बारे में जब भी हमने अक्सर लोगों से पूछा तो सबने यही समझा कि सेक्सुअल अब्यूज का मतलब रेप। लेकिन आपको बता दें, वैसे तो अनुभूति में हमसे हमारी बात हुई थी तो हमें पता है कि आप लोगों को इसमें से काफी कुछ पता है कि सेक्सुअल अब्यूज इज नॉट ओनली रेप। डिफरेंट टाइप के जो सेक्सुअल गेम्स होते हैं जिसमें कि प्राइवेट पार्ट्स का किसी तरह से एक्सपोजर हो, चाहे फोटो फॉर्म में, चाहे वीडियो फॉर्म में, या स्टोरी में, या वोकैबुलरी में, मतलब बोलने में, ये भी सेक्सुअल अब्यूज है। किसी बच्चे की इस तरह से फोटो, अश्लील तरह से फोटो खींचना या किसी बच्चे को अश्लील फोटो दिखाना, ये भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है।
और किसी भी बच्चे को गलत तरह से छूना, जैसे कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना, आर्मपिट्स को छूना, टिकल करना जरूरत से ज्यादा, ये सब भी सेक्सुअल अब्यूज का हिस्सा है। उसके साथ ही अश्लील शब्दों का इस्तेमाल बच्चे के सामने करना भी सेक्सुअल अब्यूज माना गया है नई डेफिनेशन में। सेक्सुअल अब्यूज के बारे में ये तो बता दिया हमने कि सेक्सुअल अब्यूज का मतलब क्या है, लेकिन ये इसका असर क्या होता है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा गंभीर बातें निकल के आ रही हैं और जिसकी वजह से हमारे देश का नुकसान जो होने में दिख रहा है वो सेक्सुअल अब्यूज का दिख रहा है। इसके फिजिकल साइंस क्या हो सकते हैं, किसी बच्चे को एसटीडी हो सकती है, एसटीडी का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती हैं, बच्चों में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है इंटरनल बॉडी पार्ट्स में, बच्चों में फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो सकता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर किसी बच्चे को गले का इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है तो वो भी अलार्मिंग हो सकता है, तुरंत उसका चेक करने की जरूरत है कि कहीं उसके संग सेक्सुअल अब्यूज तो नहीं हो रही है। बच्चे के किसी बॉडी पार्ट में ज्यादा क्रॉनिक पेन की कंप्लेंट करे, और बच्चे के इंटरनल ऑर्गन्स का डैमेज हो सकता है। इंटरनल ऑर्गन के डैमेज का एक एग्जाम्पल हम आपके संग शेयर करना चाहते हैं। हम जब 9th में थे तो हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त थी और वो बहुत इंटेलिजेंट थी, जिसको कहते हैं सुपर जीनियस, लेकिन बीमार बहुत रहती थी वो, अक्सर स्कूल नहीं आती थी। और आप लोगों को पता ही होगा घर में तो आपको, अगर आप लोग थोड़ा बहुत बुखार है तो अगर नहीं जाते स्कूल तो आपको दौड़ा दिया जाता है कि नहीं नहीं स्कूल जाओ। हमारी भी मम्मी हमको जबरदस्ती स्कूल भेजती थी, तो हमें अपनी मम्मी पे गुस्सा आती थी कि देखो उसकी मम्मी कितनी अच्छी है, वो जब बीमार होती तो वो स्कूल नहीं आती है, उसकी मम्मी कुछ नहीं कहती है, तो हम मम्मी से शिकायत भी करते थे कि उसको मम्मी कुछ नहीं कहती है और आप मुझे बहुत परेशान करती हैं। तब मम्मी ने हमसे कहा था कि हम तुम्हें बाद में बताएंगे क्या बात है। 10th में जब हम लोग आए उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हुई तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई, बहुत रोई। तो मम्मी ने बताया कि जब ये बच्ची 4 साल की थी तो इसका रेप हुआ था और इसके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए थे। उस बच्ची के माँ बाप उस शहर के सबसे बड़े अधिकारी थे, दोनों माँ और बाप दोनों मिलके। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि वो लोग जो हमने आपको बताया कि सोशल स्टेटस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत दिनों तक उन्होंने उस बच्ची को बचा पाए, लेकिन 10th के बोर्ड के जब, क्योंकि यूपी में बोर्ड होता है, बोर्ड एग्जाम्स, तो उसमें स्ट्रेस बहुत होती है बच्चों में। शी कुड नॉट हैंडल द स्ट्रेस एंड शी कोलैप्स्ड। अभी तक उसकी याद आती है, बहुत दुख होता है। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि एक जीनियस को हम लोगों ने किस लिए खो दिया, उसका कोई दोष नहीं था उस बिचारी का, लेकिन उसके साथ एक अपराध किसी ने किया था और उसकी जिंदगी चली गई। ये फिजिकल साइंस है। इमोशनल साइंस भी, बच्चे के इमोशन पे भी बहुत तगड़ा असर पड़ता है सेक्सुअल अब्यूज का। ऐसे बच्चे अक्सर हो सकता है डरने ज्यादा लगे, उन्हें ज्यादा एंजाइटी होने लगे। एंजाइटी का मतलब एकदम से जैसे ना बहुत जल्दी घबरा जाना, बहुत जल्दी रिएक्ट करना। अक्सर ऐसे बच्चे हो सकते हैं उनको गुस्सा ज्यादा आने लगे। डिप्रेशन ऐसे बच्चों में बहुत ज्यादा देखा गया है। ऐसे बच्चों का में अक्सर ईटिंग डिसऑर्डर होता है और वो स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस भी खराब होने लगती है। बहुत ज्यादा स्टडीज इस पे भी आई हैं कि ऐसे बच्चे एंटी सोशल बिहेवियर में उनमें पाया गया है। और आपको बता दें कि एक स्टडी आई है जो अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर काम चल रहा है कि अगर 7 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ ये हादसा होता है तो ऐसा बच्चा, उसके ब्रेन में ऐसा केमिकल डेवलप होता है कि उसमें थोड़ी सी अपराधी प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है। आप समझ सकते हैं, नादान भोला बच्चा किसी अपराधी की वजह से खुद भी अपराधी बनने की तरफ जा सकता है और वो उसका कोई दोष नहीं उस बच्चे का उसमें। अब आप समझ सकते हैं कि हम क्यों इसके पीछे इतना पड़े हुए हैं, इस विषय के बीच पीछे। अक्सर ये देखा गया कि ऐसे बच्चों में दूसरों पे विश्वास करने की क्षमता कम हो जाती है, उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है जिनके संग सेक्सुअल अब्यूज होती है। ऐसे बच्चों के अच्छे रिश्ते एक दूसरे से बनाने में भी उनको बहुत ज्यादा दिक्कत पाई गई है। किस बच्चे पे कितना असर होगा ये इस पर निर्भर करता है कि अपराधी कौन था, बच्चे के साथ क्या हादसा हुआ था, बच्चे से क्या कहा गया और बच्चे ने कैसा अनुभव किया जो कहा गया उसका, और जो हादसा हुआ उसका कितने दिनों तक बच्चे के साथ ये अपराध होता रहा,
और जब हो रहा था तो बच्चे ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया। इसी के अलावा जब बच्चे ने अगर किसी को बताया तो बच्चे से क्या कहा गया और बच्चे की उम्र कितनी थी, ये सब चीजें असर करती हैं कि उस बच्चे पे क्या असर और कितना होगा। बच्चा एक बच्चा होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन स्टडीज आई हैं कि जो बच्चे लड़के उनके संग अगर कोई फीमेल सेक्सुअल अब्यूज करती है तो ऐसे बच्चे ज्यादा साइकोलॉजिकली डैमेज होते हैं। और एक बात आपको बता दें, स्टडीज आ रही हैं, कंफर्म होना बाकी है, लेकिन बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है कि इरेक्शन इज नॉट अप्रूवल। ऐसा नहीं कि इरेक्शन हो गया तो इसका मतलब है कि वो लड़का हाँ कह रहा है, उसकी कई वजह होती है। ऐसे जो शिकार होते हैं बच्चे, उनमें महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा नफरत भर जाती है। और एक स्टडी आई है कि जो 80% रेपिस्ट थे उनका बचपन में सेक्सुअल अब्यूज हुई थी महिलाओं के द्वारा। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम लोगों को अपने लड़कों को भी उतना ही बचाना है, लड़कों की भी सुरक्षा की, हम क्योंकि हम लोगों की आदत है लड़कियों की तो सुरक्षा करते हैं और लड़कों के लिए क्या कर देते हैं, बहन 20 साल की है उसके संग 4 साल का भाई भेजा जाता है बहन की सुरक्षा के लिए। उसकी वजह से उस लड़के पे क्या असर पड़ता है, उस लड़के को ये लगता है कि वो उसको मजबूत होना है, उसको सुरक्षा देनी है, उसका नुकसान कोई नहीं कर सकता है। पर अगर उस बच्चे के संग ऐसा हुआ है, रेप हो गया है, वो बेचारा कैसे बताएगा किसी को, क्योंकि अगर बताएगा तो लोग तो कहेंगे कि तुम लड़के नहीं रहे, तुम्हें वो चीजें नहीं रही कहीं कि तुम जो है किसी को बचा पाओ, किसी की सुरक्षा दे पाओ। इस प्रेशर की वजह से वो बेचारा लड़का सफर करता है। और हम लोगों को अपने समाज से इस कुरीति को खत्म करना है कि लड़के मजबूत होते हैं। हाँ लड़के मजबूत होते हैं, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उनका ऐसा, लेकिन जो इमोशनल लेवल है वो लड़के और लड़कियों का बराबर होता है। इसलिए लड़कों को भी सुरक्षा की उतनी ही जरूरत है जितनी की लड़कियों को। तो हम आप सबसे चाहेंगे कि आप लोग अपने लड़कों को भी यही समझ के चलें कि वो भी एक बच्चा है और बच्चे को सुरक्षा चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि लड़के को अगर हो गया तो लड़का ना तो अपने दोस्तों से कह सकता है, क्योंकि अगर दोस्तों से कहेगा तो दोस्त क्या कहेंगे, अरे ये तो कमजोर है, अब नॉर्मल हो गया है। हो सकता है कोई उसको कुछ अलग तरीके से उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को ही चैलेंज कर दे, जबकि सच्चाई ये है कि वो बच्चा बेचारा सफर कर रहा था और उसके सफरिंग को क्योंकि लड़का है इसलिए माना ही नहीं जा रहा है। आप सबने मीटू का जरूर सुना होगा, मीटू का इंसिडेंस के बारे में। जी बिल्कुल, मीटू के बारे में हम चाहेंगे कोई अगर बताना चाहे तो आप लोग स्पीकर ऑन करके प्लीज बताइए जरूर, अगर बता सकें तो। एनीबॉडी, मैं उनको परमिशन दे देती हूँ। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। आप मीटू का जिसने भी सुना था, मीटू के बारे में टीम में से किसने सुना हो या किसी बच्चे ने सुना हो मीटू क्या था तो बताइए। हैश मीटू बहुत चल रहा था अभी। किसी को नहीं जानकारी? अच्छा तो हम बताते हैं, मीटू एक मूवमेंट चला था, उस मूवमेंट में पूरे दुनिया में चला था ये और बहुत पॉपुलर हुआ था। आज से करीब 3 साल पहले चला था, अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है बॉलीवुड में तो अभी खास खास। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल रोशिदा सही कह रहे हो। एक बच्ची ने जवाब दिया, रोशिदा ने, बॉलीवुड में चलता था अभी। अरे वाह, वेरी गुड, कांग्रेट, गुड जॉब रोशिदा, थैंक्स। इनके लिए क्लैप कर दे अगर हम लोग तो अच्छा रहेगा, थैंक यू। मीटू में ये हुआ था कि जिसके संग अगर किसी के संग सेक्सुअल अब्यूज हुई है तो वो मीटू हैशटैग के बाद अपना इंसिडेंस बताता था और खुल के बताता था उसका नाम भी कि जिसने किया है। जी हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं, मीटू मूवमेंट के ये हुआ था, हम लोग के यूपी वगैरह की जगहों पे अगर किसी का रेप हो जाता था और लड़की का ही रेप पता चलता था, लड़कों का तो पता ही नहीं चलता था, अगर किसी लड़की का रेप हो गया है तो उस लड़की को आउटकास्ट कर दिया जाता था, उसको समझा जाता था कि वो गलत है, ना उससे कोई शादी करता था, ना कोई उससे बात करता था, ना कोई उसके परिवार से बात करता था कि उसके संग गलत हुआ है, इसका मतलब वो गलत है। जबकि हम और आप सब जानते हैं कि अगर किसी का रेप हुआ वो कैसे गलत हो सकता है। जी। अगर अच्छे कपड़े कोई पहना है, अगर कोई अच्छा सुंदर लग रहा है, इसका मतलब
क्या गलती है? क्या हम लोगों को अधिकार नहीं है अच्छी तरह से रहने का? हम लोग को सबको अधिकार है, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जिसने किया वो गलत होता है, वो अपराधी है। इस मीटू मूवमेंट ने हिम्मत पैदा करी सब में कि अपने इस प्रॉब्लम को खुल के कह पाए और समाज उसको स्वीकार करे। इस मीटू मूवमेंट का ये फायदा हुआ हम लोग को, लेकिन हाँ इसका मिसयूज भी हुआ, और वो हर अच्छी चीज का मिसयूज होता है। लेकिन मिसयूज का मतलब ये नहीं है कि मूवमेंट गलत था, दिस मूवमेंट वॉज वेरी गुड। और हम अपने हर वर्कशॉप में एक मीटू मूवमेंट चाहते हैं, 2 मिनट के लिए हम लोग अपने को पॉज करते हैं, और अगर कोई चाहता है तो अपना रेज हैंड चैट बॉक्स में बस करता है, नो क्वेश्चन आस्क, नो क्वेश्चन सेट, बस एक मीटू मोमेंट क्रिएट किया जाता है। तो हम यहाँ पे 15 सेकेंड देंगे, बहुत ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि चैट बॉक्स तक जाने में आपको 15 सेकेंड में हो जाएगा। 15 सेकेंड के लिए आई बी पॉज एंड आई अप्रिशिएट इफ यू वॉन्ट टू रेज योर हैंड्स दैट मी टू एंड दैट्स अबाउट इट। Those who have gone through with this anyhow, anyway, can write down me too. Just me too. We have to come out and talk about it. Yes. It's very important. Be open about it. Okay. इस me too movement के बाद हम चाहेंगे कि एक 10 मिनट की क्लिप है, आप लोग जरूर देखें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बीच में अब हमें आपसे सवाल करना है कि अभी तक आप लोग को कोई सवाल हो तो आप लोग चैट बॉक्स में डालिए, और अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने को, हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग के पास 1 मिनट से 2 मिनट तक है, अनुभूति मैम डिसाइड करेंगी कि कितनी देर हम लोग पर हम क्योंकि अभी इसके बाद काफी लंबा है, तो 1 मिनट काफी होगा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, नहीं तो हम लोग वीडियो पे चलते हैं। मैम हम वीडियो ऑन कर सकते हैं अपना? आपको कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? आई थिंक नहीं अभी पूछना है। दे आर राइटिंग मी टू, वेरी गुड, वंडरफुल, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ यू एवरीवन। लक्ष्मण इट्स कमिंग प्राइवेट टू मी, यस, यू कैन राइट डाउन ऑन एवरीवन। So, ma'am, I think we can go through with the video now. Okay, ma'am. हमारे समाज का हर दूसरा बच्चा बाल यौन शोषण का शिकार, यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार है। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाह हैं, और इस लापरवाही की वजह है कुछ गलत फहमियां, जैसे कि हमें लगता है कि हमारा बच्चा घर में सुरक्षित है। एक और बड़ी गलत फहमी यह है कि ये सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ नहीं। दोस्तों आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि सन 2007 की उसी सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जिन बच्चों के साथ बाल यौन शोषण हुआ उनमें से 53% लड़के थे। जी हाँ, 53% ऑफ द चिल्ड्रन हु वेंट थ्रू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वो बॉयज। सुनकर यकीन नहीं आता, आइए हम अपने अगले मेहमान से मिलते हैं। मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े हरीश अय्यर। परवरिश ठीक वैसे ही हुई जैसे किसी भी आम लड़के की होती है। आजकल एक बड़ी कंपनी में बतौर क्रिएटिव हेड काम कर रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। एक कामयाब खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान है। अपने माता पिता के साथ मुंबई में रहते हैं, लेकिन बचपन में कितने भयानक हालातों से वो जूझ रहे थे, माँ बाप को दूर दूर तक इसका अंदाजा नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश हमारे साथ जुड़ने का। सबसे पहले तो मुझे अपने परिवार के बारे में बताइए, जब आप छोटे थे तो आपके परिवार में कितने सदस्य थे? मेरे परिवार में माय पेरेंट्स वदे, मेरे माँ बाप, मेरा एक छोटा भाई है, मेरी मेरे डैडी के दो ब्रदर्स हैं, तो वो उनके वाइफ। सो आई ग्रो अप इन अ जॉइंट फैमिली। आपके बचपन में कुछ हादसा हुआ, क्या आप उसके बारे में हमें बताना चाहेंगे? मैं जब 6.5 साढ़े 6 साल या 7 साल का था, तब मेरे
मम्मी के साइड के रिलेटिव में मेरे मेरा बलात्कार किया। हमारे घर में वो हमेशा आता आता जाता रहता था, हमारे साथ रहता था वो। तो हम बच्चों को स्नान सुबह से बच्चों को नहलाते हैं, बच्चों को जैसे हम नहलाते हैं वैसे ही वो मुझे नहला रहे थे, नहला रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने सारे कपड़े निकाल दिए और मैं भी नंगा था उनके सामने। फिर उन्होंने मुझे सोप करना चालू किया, साबुन लगाया। और वही टाइम उन्होंने मुझसे यौन संबंध के लिए मैं चिल्लाना चाहता था और उसी वक्त मेरी आंटी का गया है कि मैं नीचे जाके कुछ सामान खरीद के आती हूँ। उन्होंने आवाज लगाई कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो शायद उसकी वजह से जोश आ गया उसमें और जबरदस्ती जबरदस्ती मेरे साथ। और शुरुआत उस तरीके से हुई, जब भी मुझे बाल कटाना होता था तो वो मुझे लेके जाता था बाल कटाने के लिए। और शुरुआत तो मुंह से हुई, फिर बाद में इतना कि मैं अगर लड़की होता तो मैं प्रेग्नेंट होता। मतलब तो उसने आपका बलात्कार किया, पूरी तरह बलात्कार किया। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा बट क्योंकि वो बहुत ही घिनौना था, बट वो बोलते थे और लेके भी आते थे एक दो बार। तो मुझे लगता था कि वो जो कर रहे हैं, कि जो मुझसे करने को बोल रहे हैं, उनके साथ जो लोग कर रहे हैं वो, मतलब एक साथ दो तीन मर्द साथ लाते थे आपके साथ ये करने के लिए, तो ये बहुत ही दुख की बात है। बहुत बहुत मुझे खुद पे मुझे बहुत ये होता था। और मैं यहाँ पर मैं आपके बचपन की तस्वीर दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, ताकि आपको अंदाजा हो, क्योंकि हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं वो बालिक हैं, अडल्ट हैं, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो हादसा हुआ है एक बच्चे के साथ हुआ है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये इस बच्चे के साथ, इस छोटे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। तो ये जो इंसान जो कर रहा था, ये एक बच्चे के साथ ऐसा कर रहा था, ये हम कभी ना भूलें। हरीश, मुझे बताइए कि इस दौरान जब ये इससे आप गुजर रहे थे तो आपको क्या महसूस होता था, आपकी क्या फीलिंग्स थी, आपके क्या थॉट्स थे? ना ही मुझे डर लगा, ना ही मुझे गुस्सा है। मैं एक पत्थर जैसा होता है, मैं वैसा था। जब वो सारा चीज करता था मेरे साथ तब भी मुझे कोई डर या दर्द भी नहीं होता था। मुझे तब मुझे दर्द तब होता था जब वो करके बंद हो गया, जब वो उठ चुका था। क्योंकि तब मैं दो जिंदगी जीता था, एक जिंदगी जब मैं मेरा शोषण होता था और एक जिंदगी जब मेरा शोषण नहीं होता था। और मैंने अपने दिमाग में ये दो जगह बना ली थी और मैं कभी नहीं चाहता कि ये दोनों जगहें मिले साथ में। तो हमेशा मेरे बाहर हमेशा शोर था और मेरे अंदर सन्नाटा था। और कोई भी मेल मेंबर, कोई भी पुरुष से मेरे फैमिली में क्लोज नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि हर आदमी मेरे साथ ऐसा कर सकता है, कुछ बुरा कर सकता है। तो मुझे आदमियों से बहुत डर लगता था। क्लासरूम में जब वो बैठा करता था तो मैं सडनली क्लासरूम में बैठा करता था और अचानक मैं उठ जाता था। इसलिए उठ जाता था क्योंकि क्योंकि मुझे बहुत डर महसूस होता था। और टीचर्स बोलते थे खड़ा क्यों हो जाता है, बैठा। और कभी कभी मुझे डांट भी मिलती थी उसमें। एक बार मुझे याद है, हम बीच में सारे फ्रेंड्स के साथ पिकनिक में चले गए और सब लोगों ने मुझे अपने कपड़े उतार के पानी में जा रहे थे और मैं थोड़े कपड़े उतारे और मैंने देखा कि मैं ब्लीड कर रहा हूँ, तो मैंने झट से अपने कपड़े पहन लिए। इस दौरान मुझे एहसास होने लगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मुझे बताइए कि ये सब आपने अपने माँ बाप से कभी बताने की कोशिश की थी? मैंने पहली बार मेरी मदर को बताने की, माँ को बताने की कोशिश की जब मैं अराउंड 10 साल का था। मैं मेरे माँ से बहुत क्लोज था। मैंने शुरू में उनको ये बताया कि वो मुझे यहाँ वहां छूते हैं, यू नो, मुझे मेरे पास शब्द नहीं थे, अल्फाज नहीं थे कि ये बताने के लिए कि उस चीज को बोलते हैं क्या है, क्या हो रहा है, कैसे समझाओ। तो मम्मी को लगा कि ऐसे 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 थोड़ी ना होता है। मम्मी को ये पता ही नहीं था, नहीं लिया सीरियसली नहीं लिया। तो और ये जब बात उनके कान तक पहुंची तो उन्होंने बोला कि देखा, मैंने बताया था
कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा, उन्होंने आपको ये सब बताया था, उन्होंने आपको धमकी दी, उनको डराया आपको? मुझे डराया था कि अगर मैंने किसी को बताने की कोशिश की तो मुझे मार देंगे, मैंने जिसको भी बताया उसे भी मार देंगे, तो मुझे डर लगता था। उससे ज्यादा मुझे इस बात का डर लग रहा था कि लोग तुम्हें ही बोलेंगे, और वैसे ही हुआ। वापस 2-3 सालों के बाद वापस मैंने मम्मी को बताया कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, तो मम्मी ने बोला कि तुम आम बहुत खाते हो, गर्मी बढ़ गई है इसलिए ब्लीड कर रहे हो। तो दूसरी बार जो कोशिश की वो भी नाकामयाब रही। तो उस वक्त आपको क्या फील हो रहा था, क्योंकि वो बहुत अहम बात है हमारे माँ बाप के लिए? मुझे लगता था कि मेरी माँ मेरा विश्वास नहीं कर रही है। मेरी माँ प्यारी है, अच्छी है, सब है, मगर मेरी माँ मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए खड़ी नहीं हो सकती है। मेरी मदद अगर किसी ने की है वो कोई इंसान ने नहीं की, मेरी मदद की थी मेरे कुत्ते ने। मेरा जर्मन शेपर्ड डॉग था जिमी, जब मेरे साथ शोषण होता था मैं घर आता था और मुझे पता नहीं उसे कैसे पता चलता था कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। वो मैं जब घर में आता था तो खींच खींच के लेके जाता था मुझे, और बेडरूम में जाके अपने बेड के ऊपर वो बैठ जाता था ऐसे पॉस लेके, और वो चाहता था कि वो ऐसे कूद कूद के मुझे बोलता था कि मेरे 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 पास आओ और मेरे पास आके बैठ, और मैं बोलता जाता था बोलता जाता था बोलता जाता था, और मैं जब रोया करता था वो आके मेरे आंसू चाहता था, मेरे हर आंसू को उसने पिया है इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। एंड उससे मुझे हिम्मत मिली। एंड जिम्मी के अलावा अगर मेरे मेरी अगर किसी ने मदद की तो आपके फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत मदद की। अच्छा, ओके। आई एम एन आर्ट एंड श्रीदेवी फैन। मेरा एक मेरी एक अलग दुनिया थी, एक फैंटेसी वर्ल्ड था मेरा, और श्रीदेवी वॉज वन कैरेक्टर ऑफ फोर्स फॉर मी, क्योंकि हर फिल्म में एंड में वो विलन को मारती थी और वो जीत जाती थी, यू नो लाइक हैप्पी एंडिंग। सबसे आपको प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो आप श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन? बहुत बड़ा फैन, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ श्रीदेवी जी का। मुझे ये बताइए ये कब तक चला, ये मुझे बताइए। 7 साल से 18 साल तक, सो इट वाज 11 इयर्स, 11 इयर्स, 11 साल तक। लोग मुझसे ये पूछते हैं, अच्छा 7 साल की उम्र में तुम्हें पता नहीं था, मगर 18 साल की उम्र में तुम्हें कैसे नहीं पता होगा? पता होता है, मगर कभी कभी वो पहला ना कहना मैं वक्त लग जाता है, पता नहीं चलता है। तुम्हें पता होता है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, आप उस चक्र में फंस जाते हैं। हाँ, और ऊपर से निकलना आपको समझ में नहीं आता कि मैं इस चीज को अब कैसे रोकूं, क्या करूं। और जब मैंने देखा कि रोकना इतना आसान था, कैसे रुका ये मुझे बताइए। बस सारी जो हिम्मत थी, सारी हिम्मत को समेटा। मुझे अच्छी तरह याद है, वो रूम के अंदर आया, उसने सारे कपड़े निकाले अपने, और मेरे सारे जो वेन्स थे वो तभी से मैं जुटा रहा था हिम्मत। मुझे पता था अगला स्टेप उसका क्या होने वाला है, मैं जुटा रहा था। मेरे वेन्स ये हो गए थे, मेरे आंख लाल हो गए थे एकदम, मैंने बस नो करके चिल्लाया और मैंने लात मारी, बस उतना था। आई जस्ट हैड टू डू दैट। सो द वे इट स्टॉप्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने एक दिन जब आपको गुस्सा आया आपने उनको जोर से चिल्ला के नो बोला, और उससे ये बात बंद हुई। और वो ना बोलने में 11 साल लगे। 11 साल लगे, लेकिन इससे बहुत बड़ी सीख हर इंसान को आज मिलेगी कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उसे रोकिए, आप हिम्मत करिए और रोकिए, आज सामने वाले की सामने वाला डर जाएगा। हरीश, आपके साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में आज आप क्या सोचते हैं? हर किसी के जिंदगी में कोई ना कोई चैलेंज जरूर होता है जी, कि मेरे भगवान ने मेरे लिए ये चैलेंज चूज किया, मगर मैं सकम नहीं होना चाहता हूँ। भले ही मेरे साथ ये हुआ, मैं पास्ट में जाके उसके ठीक नहीं कर सकता, मगर जो आज के बच्चे हैं अगर हम उन्हें बता सकें, उन्हें बोल सकें कि देखो ऐसा भी हो सकता है, आप सावधान रहो, सावधान रहो, और लोगों को बोल सके, एडल्ट्स को बोल सके कि अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो हुआ है, चुप्पी तोड़ो और इसके बारे में बात करो, तो इससे बहुत लोगों को फायदा हो सकता है। धन्यवाद। तो बच्चों, आपने ये मूवी इसलिए दिखाना जरूरी था कि आप लोग समझ सके कि इसको रोकना जरूरी है,
और अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, इससे बाहर निकलना जरूरी है। जो हुआ तब हुआ और हम लोग इस पे काउंसलिंग देते हैं। अगर किसी को जरूरत हो, अनुभूति मैम के साथ मैं हमेशा हूँ। इफ शी विल आस्क मी, आवर टीम इज देयर फॉर ऑल ऑफ यू। इसके बाद आपको बताना चाहते हैं पॉक्सो एक्ट 2012। पॉक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसका एक्ट 2012 में बना है। 2012 के पहले अपने देश के संविधान का कोई कानून ऐसा नहीं था जहां बच्चों की सेक्सुअल अब्यूज को रोकने के लिए उनकी कंप्लेंट करके उन पे एक्शन लिया जा सके। इसलिए यह एक्ट बहुत जरूरी था, क्योंकि जब कानून होगा तभी हम लोग बच्चों को सुरक्षित कर पाएंगे। बगैर कानून के किसी को एक्शन नहीं ले सकती है सरकार। बनने में बहुत टाइम लगा है इसको, और कई सारी सोशल एक्टिविस्ट और एनजीओज ने मिलके बहुत इंटरनेशनल लेवल पर लड़ाई की, तब ये कानून अपने देश में आया है। तो इसलिए हम लोगों को इस कानून को जानना जरूरी है, और इस कानून को जानने के बाद इसके महत्व को समझ के, इसका सही इस्तेमाल करके और इसके गलत इस्तेमाल को रोक के इस कानून को मजबूत बनाए रखना भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम आपको चाहते हैं कि सब लोग इसके बारे में जानें और इसका मिसयूज नहीं होने दें। इसलिए मिसयूज नहीं होने दें, जैसे दहेज का कानून बहुत बढ़िया बना था, लेकिन अब इतना मिसयूज हुआ है कि अब उसको इतना डाइल्यूट कर दिया गया है कि फिर वो पहले जैसी हालत हो गई है कि अगर कोई अपराधी है और कोई शिकार हो रहा है उस अपराध का, तो कानून अब ज्यादा मदद नहीं कर पाता है। इसलिए आप सबसे विनती है कि इसका कोई मिसयूज ना करे, इसका आप लोग ध्यान दें और इसमें आप लोग कोशिश करते रहिएगा। पॉक्सो एक्ट के डेफिनेशन हम बता रहे हैं आपको। इस डेफिनेशन को ही अगर आप जान जाएंगे तो आपको पूरा पॉक्सो एक्ट समझ में आ जाएगा, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आगे चल के, जिससे कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से किसी की मदद करने के लिए इस्तेमाल कर सके। पॉक्सो एक्ट में राइट टू प्राइवेसी, इंटरेस्ट एंड वेलबींग ऑफ द चाइल्ड शुड बी प्रोटेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाई एवरी पर्सन बाई ऑल मीन्स एंड थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ ए जुडिशियल प्रोसेस। एक्ट कब इम्प्लीमेंट होगा? जब FIR हो जाएगी। FIR होने के बाद उस बच्चे की प्राइवेसी का राइट, उस बच्चे का भलाई, उस बच्चे का हित, ये इसको सुरक्षित रखना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उस जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा बनेगा, चाहे वो बच्चे के पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे के टीचर्स हो, चाहे वो बच्चे के दोस्त हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जज हो, हर एक को उस बच्चे का ध्यान रखना, उस बच्चे की प्राइवेसी को मेंटेन करना। प्राइवेसी का मतलब उस बच्चे के बारे में किसी को भी पता नहीं चले देना कि किस बच्चे के साथ ये हादसा हुआ। ये इस कानून का मुख्य हिस्सा है, जो कि सबको पता होना चाहिए। बच्चा की डेफिनेशन क्या है चाइल्ड की? कोई भी जो 18 साल से कम हो। अगर आप 10 मिनट भी 18 साल से कम है जब यह हादसा हुआ है, तो ये पॉक्सो एक्ट के अंतर अपराधी को पकड़ा जाएगा। पॉक्सो एक्ट के जो अपराध हैं उनकी डेफिनेशन बता दें आपको, इसमें कौन कौन से अपराध लिए गए हैं। एक है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, बच्चे के किसी भी भाग में, चाहे किसी शरीर के हिस्से का डालना या किसी चीज का डालना, या बच्चे से अपने शरीर में ऐसा करवाना, ये दोनों ही रेप माने जाते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट में बच्चे के पेनिट्रेशन बच्चे के शरीर में नहीं होता है, लेकिन बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को छूना या बच्चे से अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुआना, ये सब सेक्सुअल असॉल्ट का हिस्सा है। बच्चे के मुंह को अपने प्राइवेट पार्ट में लगाना या किसी एडल्ट का मुंह बच्चे के प्राइवेट पार्ट में लगना, ये रेप माना जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट में बच्चे को छूने की जरूरत नहीं होती है, बच्चे के सामने अश्लील व्यवहार करना या बच्चे से अश्लील व्यवहार करवाना, बच्चे को अश्लील संदेश भेजना, अश्लील चीजें दिखाना, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, बच्चे से
ऐसे बच्चे के फोटोज खींचना जिसमें बच्चे का अश्लील व्यवहार करवाया जाए, बच्चे के सामने खुद अपनी फोटो खींचना खुद अश्लील व्यवहार करते हुए, या बच्चे के ये अश्लील व्यवहार के फोटोग्राफ्स किसी को भी देना, ये सब पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आता है। इन चारों अपराधों की सजाएं क्या है? पेनिट्रेटिंग सेक्सुअल असॉल्ट में कम से कम 7 साल की जेल है अरेस्ट के बाद, और लाइफ इंप्रिजनमेंट तक है। सेक्सुअल असॉल्ट में कम से कम 5 साल की जेल है, और 5 साल से लेकर के 7-8 साल तक की है, और फाइन भी है। सेक्सुअल हैरेसमेंट में भी अरेस्ट है और 3 साल की जेल है। पोर्नोग्राफी में 3 साल की जेल है पहली बार, अगर दोबारा ये पोर्नोग्राफी में किसी को पाया गया तो 7 साल से लेकर के लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ क्राइम उसके साथ साथ क्या क्या हुए हैं, क्योंकि हो सकता है उसने रेप भी किया हो बच्चे के फोटो खींचते समय। तो आप देख रहे हैं कि 4 तरह के अपराध जो इसमें कवर हुए हैं, कि अगर बच्चे के सामने अश्लील शब्द भी बोले जाते हैं तो पॉक्सो लगता है, और हर एक में जेल होती है। कोई भी इसमें से ऐसा नहीं है जिसमें जेल नहीं हो रही है। इसके अलावा 2 और कानून इसमें अपराध माने गए हैं, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हमने आपको बता दिया है। एग्रेवेटेड की डेफिनेशन बता दे क्या है। एग्रेवेटेड का मतलब ऐसा व्यक्ति जो पावर में है, जिसके पास बच्चे को आना ही पड़ता है, जैसे कि टीचर स्कूल में, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेस, आपके जो पूजा के जगह है वहां के पुजारी, कोई भी धर्म के हो, ये लोग जब बच्चे के साथ ऐसा करते हैं, या पुलिस वाले या जेल के अधिकारी, अगर वो लोग बच्चे के साथ ऐसा करते हैं तो वो एग्रेवेटेड माना गया है। एग्रेवेटेड स्टेज में जो भी क्राइम है उसका अपराध का जो सजा है वो 1.5 गुना हो जाती है। तो अगर 7 साल की सजा है तो जो एग्रेवेटेड पोजीशन का जो है अपराधी, उसकी 10 साल की सजा होगी। एग्रीगेटेड में पुलिस भी आती है ना? पुलिस भी आती है, पुलिस भी है। कोई भी जो इस पोजीशन में हो, इवन सिक्योरिटी गार्ड्स, वो भी एग्रीवेटेड में माने जाते हैं। फैमिली पर्सन्स, वो एग्रीवेटेड में आते हैं। जो भी ऐसी पावर की पोजीशन में जिसके पास बच्चा को होना ही पड़ता है, डे केयर सेंटर, अगर वहां पे कोई कर रहा है तो वो एग्रीवेटेड में आएंगे। तो ऐसे किसी भी उसमें जो है वो एग्रीवेटेड लगेगा। एग्रीवेटेड का मतलब 1.5 गुना सजा मिलेगी और 1.5 गुना फाइन लगेगा। अबेटमेंट, अगर कोई उकसा रहा है किसी को तो उसको भी उतनी ही सजा मिलती है जितनी की रेगुलर क्राइम को। उकसाने का एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि एक बच्ची थी टीनेजर, क्योंकि ये किस्सा हमारे पास बाद में आया, उस बच्ची ने तब तक सुसाइड कर लिया था वो, क्योंकि उस प्रिंसिपल के पास हम जब वर्कशॉप करने गए तब वो रो रही थी कि काश हमें पता होता आप लोग हैं तो आप लोग मदद कर पाते। उस बच्ची का चाचा उसका रेप करता था और उसकी दादी दरवाजे पे बैठी रहती थी। यस, ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाथ से बहुत बुरे बुरे होते हैं, ये इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को बच्चों कि आप लोगों के हाथ में सरकार ने बहुत शक्ति दी है, लेकिन इसका कोई मिसयूज ना करे, इसका भी आप लोग को ध्यान रखना। लेकिन कानून आपको जरूर पता होना चाहिए। वो बच्ची रोते हुए प्रिंसिपल के पास आती थी, प्रिंसिपल माँ बाप से कहती थी, माँ जो है इसलिए नहीं कुछ बोलती थी क्योंकि घर का खर्चा वो चला रहे थे वो चाचा, पर प्रिंसिपल को कानून नहीं पता था उस टाइम तक, क्योंकि नया नया पॉक्सो था और सबको नहीं मालूम था। शी कुड नॉट हेल्प, पुलिस से बोला, पुलिस को सुनती नहीं थी क्योंकि प्रिंसिपल को पुलिस के पास जाना अलाउ नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल थी वो। अब इस कानून में अगर किसी स्कूल में किसी बच्चे के साथ हादसा होता तो टीचर्स डायरेक्ट पुलिस नहीं बुला सकते, टीचर्स को स्कूल हेड या इंस्टीट्यूशन हेड को इन्फॉर्म करना होता है, और इंस्टीट्यूशन हेड फिर पुलिस बुलाते हैं, कभी भी डायरेक्ट नहीं बुला सकते हैं। अर्चना जी, प्रॉब्लम ये है पेरेंट्स मानते नहीं है, नहीं मानते हैं। यहाँ पे अगर नहीं मानेंगे तो आपको जेल होगी, क्योंकि अगर कभी डिस्क्लोज हुआ और पुलिस आई और बताया, डिस्क्लोज भी हो गया और उसके बाद उसके जो भी था जिसने भी किया था जी, उसको जी, जेल जी. भी हो गई, उसको जेल से छुड़ा लिया गया ये कहकर कि मतलब केस वापस दिलवा दिया गया ये कहकर कि कुछ नहीं हो सकता, मतलब इस तरह की स्थितियां रही हैं। बिल्कुल, परिवार के कोई व्यक्ति था उसके साथ, और क्योंकि माँ के पास कमाने के साधन नहीं है और
नहीं तो एक बात आपको बता दें, इसमें कंपनसेशन आप विद इन 30 डेज कंपनसेशन मिलता है विक्टिम को, और कंपनसेशन मिनिमम मिनिमम 50,000 से लेकर के 3 लाख होता है। यह होता है इंटरिम कंपनसेशन, उसके बाद केस खत्म होने पे और भी कंपनसेशन मिलता है, उससे कम से कम होता है। अगर माँ ने हार मान ली, बच्चे ने केस वापस ले लिया, फिर हमारे हाथ में क्या रहा? फिर एक्चुअली एक तो ये है कि आप दोबारा केस फाइल कर सकते हैं इस केस में, लेकिन अगर उन्होंने लिख के दे दिया है उसके बावजूद भी अगर माँ कह देगी, आप लोग ऐप का यूज करिए, ऐप के यूज से माँ को हार मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ को सामने नहीं आना पड़ेगा, एक्शन सीधे अपराधी पे होता है। हम आपको एक किस्सा बताएंगे, इस ऐप से बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, स्लम्स में बहुत पॉपुलर हो रहा है ये ऐप, क्योंकि स्लम्स में गरीब लोग होते हैं, पुलिस उनकी नहीं सुनती है, तो इस ऐप की वजह से वो गुंडे पकड़े जा रहे हैं काफी, बल्कि एक दो बार हम मुश्किल में भी पड़ गए थे, क्योंकि सबको पता चल गया था ये ऐप हमने बनाया, तो एक दो गुंडे हमारे पास आ गए थे। पर ये ऐप से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, और इसके लिए कंपनसेशन के लिए हम लोग खुद फाइट करते हैं जाके कोर्ट में कि कंपनसेशन जल्दी मिले बच्चों को, ऐसे जिससे कि, क्योंकि उनका इलाज की जरूरत होती है, उनका कानूनी लड़ाई की जरूरत होती है, उनकी पढ़ाई की जरूरत होती है, परिवार की समस्या होती है, इसीलिए हम लोग ये जानते हैं कि ये समस्याएं आ रही है बहुत ज्यादा, इसीलिए हम लोग इस मुद्दे पे हैं कि रिहैबिलिटेशन बहुत बड़ा इशू है। तो अगर ऐसा है तो आप हमें बताइएगा, आई विल वर्क ओवर इट, हमारे पास लॉयर्स हैं, दे विल हेल्प मी, और फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उनको कोई पैसा नहीं देना है किसी को। तो हम आपसे बाद में अनुभूति जी इस पे डिस्कस करेंगे, आप हमें बताइएगा प्लीज, जरूर आई विल ट्राई टू रीच देम, रीच टू देम। अगर जो है किसी ने कोशिश की है बच्चे को सेक्सुअल अब्यूज करने की, तब भी पनिशमेंट मिलता है, जेल होती है। अभी एक किस्सा आपको याद होगा, 2 साल पहले था, एक बच्ची भाग गई थी क्योंकि उसको सेफ टच अनसेफ टच सिखाया गया था, तो उस बच्ची को समझ में आ गया कि वो व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है। जब वो पुलिस स्टेशन गई तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि मैंने कुछ नहीं कर पाया, ये तो पहले भाग गई थी, लेकिन क्योंकि उसने शुरुआत की थी, बच्ची को ट्रॉमा हुआ, इसलिए उसको जेल हुई थी। अर्चना जी, एक प्रश्न आया, आशीष पूछ रहे हैं। जी यस, मैंने पूरा सिचुएशन देखी है, एक आदमी एक लड़की के लड़के का रेप किया था, लेकिन उसको जेल से निकाल लिया गया क्योंकि उसके पास पैसा था, तो उसमें नहीं, क्या नहीं, करना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये, आप प्लीज हमें वो केस दीजिएगा, इसके बाद हम आपका ये अलग से इंडिविजुअल आपसे बात करके और इस केस को हम परसू कर लेंगे, आप प्लीज हमें दीजिएगा, डीसीपीसीआर को एक इन्फॉर्म कर दीजिए, ये ऐप डाउनलोड करके ऐप से इन्फॉर्म कीजिएगा डीसीपीसीआर को, क्योंकि 2-3 एजेंसी जैसे ही इस ऐप को ऑन करते हैं 2-3 एजेंसी एक्शन में आ जाती हैं, तो कोई भी एक एजेंसी नहीं होने की वजह से एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि दूसरी एजेंसी को उसको जवाब देना पड़ता है। तो अभी हम ऐप की लिंक देंगे, आप लोग उससे कर लीजिएगा, और फिर मैं इसको पर्सनली देखूंगी कि कहाँ पे ग्लिच है, फिर मैं उसको बताऊंगी। जी, अगर किसी ने फॉल्स कंप्लेंट किया, क्योंकि एक्ट बहुत स्ट्रांग है, सजा तुरंत होती है, जेल तुरंत होती है, तो लोग मिसयूज भी करते हैं उसका, जजेज इस बात का ध्यान रखते हैं, डाइवोर्स के केसेस में, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में, या किसी से झगड़ा चल रहा हो अड़ोस पड़ोस में, उस केस में जब पॉक्सो एक्ट लगाने की बात आती है, तो जजेस इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कोई मिसयूज ना कर रहा हो, और उसके केस में जेल होती है अगर किसी ने फॉल्स कंप्लेंट करी है। लेकिन इसके साथ ही एक बात और बता दें कि अगर मान लीजिए हमने कंप्लेंट करी, जैसे आपने बताया, आपको पता चला, आशीष ने बताया कि उसको पता चला कि उसका रेप हो रहा था लड़के का, और फिर जो है अगर आशीष ने पुलिस को बताया, और जैसे कि आपने बताया कि उस लड़के ने केस विड्रॉ कर लिया किसी प्रेशर में आके, तो आशीष पे कोई एक्शन नहीं होगा, ये भी कानून है पॉक्सो एक्ट का, कि अगर आपने बता दिया, सिर्फ आपको शक हुआ है कि कहीं सेक्सुअल अब्यूज हो रही है, अगर आप कंप्लेंट कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है कि आपके ने गलत काम किया है, क्योंकि बच्चों को बचाने के लिए अगर आपसे गलत भी रिपोर्टिंग हो जाएगी तो स्टिल इट इज ओके। लेकिन जैसे जो डायरेक्ट कर रहा हो कि मेरे संग रेप हुआ, ये मेरे बच्चे के साथ रेप हुआ है और रेप नहीं हुआ है, तब एक्शन होता है, जो फॉल्स कंप्लेंट का सिस्टम है वो ये है। मीडिया का, क्योंकि सब सेक्सुअल अब्यूज के बारे में रिपोर्टिंग इसलिए नहीं होती कि कहीं खबर ना फैल जाए, बदनामी ना हो जाए, तो मीडिया के लिए कानून है कि मीडिया किसी बच्चे का आइडेंटिटी किसी भी फॉर्म में डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। आइडेंटिटी का मतलब उसके माँ बाप का नाम नहीं बता सकता, उस स्कूल का नाम नहीं बता सकता जहां हादसा हुआ है, उस एरिया का, मोहल्ले से बड़ा एरिया, जैसे कि जी ब्लॉक में हुआ है तो वो GK1 कह सकता है, उससे कम के लेवल पे ज्यादा आइडेंटिफाइड
हो जाएगा बच्चा, इसलिए उससे कम की इंफॉर्मेशन मीडिया नहीं दे सकता है, नहीं तो मीडिया के हेड को जेल होती है। ये इसीलिए कानून में डाला गया है जिससे कि बच्चे सुरक्षित होके या बच्चे के जो गार्जियन से सुरक्षित होके सेफ होकर के अपने समस्या जो है बता सके और एक्शन लिया जा सके। जैसा कि अभी आपने बताया ना कि वो मजबूर होते हैं, अगर कोई किसी को पता चल जाए कि बच्चे के साथ रेप हो रहा है या सेक्सुअल अब्यूज हो रही है, इवन वल्गर एक्शन ही हो रहा है बच्चे के सामने, और बच्चे ने आपको बताया है या किसी को बताया है और फिर उसने पुलिस को नहीं बताया, तो उस व्यक्ति को भी जेल होगी। उसकी वजह ये मानी जाती है कि उसने इस क्राइम को होने दिया। वो कैसे होती है जेल, मान लो कभी बच्चा किसी वजह से केस हुआ और फाइल हुआ, FIR हुई, फिर बच्चे ने बताया कि हमने उनको भी बताया था उस टाइम पे, तो तुरंत जेल होगी। इसलिए कभी भी आप लोगों को किसी को पता चले तो आपका एक प्रोटोकॉल है कि अगर आप इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो इंस्टीट्यूशन हेड को जरूर इन्फॉर्म कर दें। इंस्टीट्यूशन हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर इंस्टीट्यूशन हेड पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है, तब आप इंस्टीट्यूशन हेड को इन्फॉर्म करके पुलिस को इन्फॉर्म जरूर कर सकते हैं, जिससे कि उस बच्चे को बताया जा सके। वो सबसे ज्यादा जरूरी है, पॉक्सो एक्ट डालने के बाद इस बात पर खास ध्यान रखा गया है। रिपोर्टिंग कैसे की जा सकती है, रिपोर्टिंग का तरीका है एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती है SJPU, जो हर जगह नहीं होती है, लेकिन पुलिस हर जगह होती है। तो आप लोग इसको रिपोर्ट जरूर करें, इवन अगर आपको सिर्फ शक है कि हो रहा है तब भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर फोन पे ही कंप्लेंट कर रहे हैं तो ये कह सकते हैं कि आपका नाम डिस्क्लोज ना किया जाए। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ऐप यूज करके करें तो आप लोग को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उसमें साफ लिखें कि आई वॉन्ट टू बी एनोनिमस, और उसको फिर क्योंकि कई एजेंसीज के पास वो रिकॉर्ड चला जाता है तो कोई भी आपको हैरस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कभी कभी पुलिस क्या करती है, जो कंप्लेंट करता है उसको हैरस करती है। ऐप के थ्रू वो हैरेसमेंट खत्म हो जाता है। एक आपको बता दें इसका किस्सा, एक स्लम में हम गए थे वर्कशॉप करने, वहां पे कई लेडीज थी, तो उन्होंने बताया कि उनका एक गुंडा है उस स्लम का, वो उन लोगों को बहुत मतलब रेप वगैरह नॉर्म है वहां का, जिसके ऊपर उसका मना जाता है उसके साथ कर लेता है। तो हमने कहा इस ऐप के थ्रू कंप्लेंट करना। अगली बार उसने जब किसी के साथ किया उनमें से एक के साथ, तो तुरंत उसने कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करने में उसने एनोनिमस ऑप्शन चूज किया था, और कंप्लेंट जब हो गई तो पुलिस आई, क्योंकि हमने उससे उनसे पहले तो यही कहा था कि पुलिस को कॉल करा करो, तो उन्होंने कहा कि पुलिस आती है तो वो गुंडे के साथ जुड़ी हुई है और वो हम लोग के ऊपर एक्शन ले लेती है। तब हमने फिर उनको ऐप का ऑप्शन दिया था, तो पुलिस आई, पुलिस को गुंडे को अरेस्ट करना पड़ा। गुंडे ने कहा किसने किया, पुलिस ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन इस पर अगर एक्शन नहीं लेंगे तो उस पुलिस वाले पे एक्शन होगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी थी, क्योंकि हमने बता दिया ना कई एजेंसीज के पास हमारे ऐप से रिपोर्ट चली जाती ऑटोमेटिकली। तो जब उसको हुआ तो उस पुलिस वाले ने उसको एडवाइस किया कि ऐसा करो जिसके संग कुछ किया हो तो उससे माफी मांग लो। तो उसने जाके जिससे किया था कईयों से माफी मांगने गया वो फिर। और उसके बाद जब हम फॉलो अप लेने गए तो उन्होंने हमसे कहा कि मैडम ये ऐप ने हम लोगों को भगवान दे दिया है, हम लोग खुश होकर देख रहे थे कि हम लोग क्या आके माफी मांग रहा है। 16 साल में पहली बार ये गुंडा किसी से माफी मांग रहा था, और हमेशा ये मनमानी करता था और हम लोग बस तरसते रहते थे, रोते रहते थे। तो ये आप लोग इस ऐप को यूज करिए और इसके थ्रू रिपोर्टिंग करिए, बहुत इफेक्टिव टूल है ये। इसमें जो है मीडिया के लिए, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि मीडिया किसी भी फॉर्म में डिस्क्लोज नहीं कर सकती है बच्चे की आइडेंटिटी को। इसके अलावा जो हम आपको बता रहे हैं रिपोर्टिंग में, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस केस में रिपोर्टिंग का तरीका ये है कि पुलिस अगर बच्चे के पास आएगी या बच्चे के परिवार के पास, तो सादे कपड़ों में आएगी, ये कानून है पॉक्सो एक्ट में। दूसरा कानून है कि वो कम से कम SI लेवल की पुलिस होगी। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो महिला होगी, कभी कभी महिला नहीं भी होगी पर SI लेवल का बंदा कम से कम आएगा इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए। इसके साथ ही वो जब रिपोर्टिंग को इन्वेस्टिगेशन के लिए आएंगे, वो कहीं पे भी इस बात में बारे में बात नहीं करेंगे, उस बच्चे का नाम नहीं लेंगे, उस एड्रेस का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अगर उनको करना पड़ रहा है। चौथी जो जरूरी बात है इसकी, इस एक्ट में सबसे ज्यादा जो अच्छी बात है वो ये है कि पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने कभी FIR कराई है, मैंने FIR कराई है। जो जनरल FIR करवाई जाती है उसको करवाने में मेरे नाखो चने चप गए थे। गुंडा था, साक्षात था, फिर मुझे CCTV लगाना पड़ा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ा, तब मैं गई, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी डैमेज करता था और पुलिस कोई प्रूफ ही नहीं मानती थी। कोर्ट जाना पड़ा मुझे, साल भर लग गया, तब जाके FIR हुई थी और मैंने सारे प्रूफ इकट्ठा कर करके दिए थे जज को।
पॉक्सो के केस में जिसने कंप्लेंट की है उसको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, एफआईआर तुरंत होती है। एफआईआर के बाद जिसके ऊपर एफआईआर है उसकी जिम्मेदारी है अपने को निर्दोष साबित करने की। ये सिर्फ इसीलिए किया गया है क्योंकि पॉक्सो के बारे में अगर किसी ने हिम्मत की है सामने आने की तो उसको इनकरेज किया जाए और वो उसकी बातों को पुलिस को सुनने के लिए मजबूरी हो, क्योंकि कानून में ऐसा डाल दिया गया है। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, अमेंडमेंट्स में दो तीन बहुत अच्छी बातें हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि सजा ज्यादा दे दी गई है लोगों को, हालांकि उसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो बाद में डिस्कस करने की बात है। लेकिन इसमें एक खासियत हुई है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक एजेंसी है दिल्ली केंद्र सरकार की, जो पूरे देश में अपराधियों का और अपराधों का हिसाब रखते हैं। तो जितने भी सेक्सुअल अब्यूज के अपराधी हैं, बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज के अपराधी, उनका डेटाबेस क्रिएट करना शुरू हो गया है और उस डेटाबेस को सबके संग शेयर कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। उसकी वजह बता दें, ये जो अपराधी होते हैं ये एक जगह पर कुछ समय रहते हैं वहां के बच्चों के साथ करके फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस कानून की वजह से जब डेटा सबके पास होगा तो सारी पुलिस अलर्ट होगी कि कौन सा अपराधी है और उसको ट्रैक करके रखेगी। तो अगर कहीं ऐसा हुआ तो उनको पैटर्न उनके पास होगा कि कौन सा अपराधी किस तरह का सेक्सुअल अब्यूज बच्चों के साथ करता है, अगर इस तरह की कंप्लेंट बढ़ने लगे तो वो उस अपराधी को जल्दी से पकड़ पाए। इसके अलावा बच्चों, आज हम एक बहुत जरूरी बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट के सबसे पहले इंटरनेट का आपको स्ट्रक्चर बताते हैं। इंटरनेट में दो तरह के फील्ड है, एक ओपन इंटरनेट है, एक डार्क वेब माना जाता है। ओपन नेट पूरे इंटरनेट का सिर्फ 2% है और इस ओपन नेट में क्या क्या आता है, आपकी ईमेल आती है, आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग आती है, आप गेम्स वगैरह जो कुछ करते हैं वो सब ओपन नेट का हिस्सा है। डार्क वेब जो कि 98% है उसमें क्या होता है, हैवी इंक्रिप्शन होता है। हैवी इंक्रिप्शन की वजह से जैसे कि आपके बैंक के ट्रांजेक्शन है वो सब डार्क वेब के हैवी इंक्रिप्शन का हिस्सा होते हैं। लेकिन डार्क वेब में भी एक डीप वेब है। डीप वेब होता है वो ओवरली हैवी इंक्रिप्टेड होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अपराध वहीं पे होते हैं। और आपको बता दें एक किस्सा, एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। एक बच्ची थी, उसकी फोटो फेसबुक पे ऐसे ही माँ बाप ने डाली थी, जो अपराधी थे सेक्सुअल अब्यूज के उनको वो बच्ची पसंद आ गई। माँ बाप वगैरह जब कहीं भी कोई जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो अपना वो लोकेशन हम लोग वो कर देते हैं लाइव कि अब हम लोग जो एयरपोर्ट पे पहुंच गए, अब हम लोग बैंगलोर पहुंच गए, अब हम लोग यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए। जो अब्यूजर्स थे, अब्यूजर्स जो डीप वेब वाले थे, वो बहुत बड़ा रैकेट है इनका। इनके जो है किडनैपर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उस डेटा को उसके संग शेयर किया गया, जब वो बच्ची का परिवार वहां पे था उस बच्ची को किडनैप किया गया। किडनैप करने के बाद जो हादसा हुआ वो बताना चाहते हैं आपको। उसको डीप वेब में उस बच्ची की बिडिंग हुई और बिडिंग में क्या हुआ आपको बता दें, जो सबसे बड़ा अपराधी बिडर था उसने कहा इस बच्ची की स्किन को ग्रेट करके इसके साथ रेप किया जाए और वो लाइव किया गया डीप वेब में। बच्चों अब हम आपको बता रहे हैं, अब हम इंटरनेट पे आ रहे हैं कि इंटरनेट हम क्या कहना चाहते हैं। इंटरनेट पे कोई भी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब नेट का हिस्सा है। इसमें आपके जो दोस्त बन रहे हैं, हो सकता है वो आपकी उम्र के दोस्त बनने का प्रोफाइल लगा के दोस्त बन रहे हो, कोई भी अपराधी हो सकता है वो आपके पहले शुरू में बहुत अच्छी तरह से आपके संग बात करेगा, आपको कम्युनिकेट करेगा, हो सकता है आपकी हेल्प करे, वो कई चीजों में हेल्प करे, और फिर वो आपसे कहे कि अपनी वो फोटो भेज दो या आप तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं। प्लीज 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 किसी भी फॉर्म के सोशल मीडिया में, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे SMS हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे मैसेंजर हो, और वो जो भी जितने होते हैं इंस्टा होता है, प्लीज आप लोग ऐसी चीजें कोई शेयर मत कर दीजिए, क्योंकि एक बार जो नेट पे डेटा चला गया इट इज गोइंग देयर टू बी फॉर द लाइफ। और आपकी कोई ऐसी फोटोग्राफ पहुंच गई, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन पहुंच गई जिसको कि कोई भी कल को मिसयूज करके आपको ब्लैकमेल करेगा और आप मजबूर हो जाएंगे कभी कभी ऐसी बात करने के लिए। कई बच्चों ने सुसाइड किया है क्योंकि उनके संग इस तरह से करके अपराधियों ने उनके नजदीक हुए और उनसे कुछ छोटी सी थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन ले ली, बच्चे ने डर के मारे किसी को बताया नहीं और फाइनली उस बच्चे ने सुसाइड कमिट किया। तो प्लीज आप लोग इंटरनेट को बहुत ही जिम्मेदारी के संग इस्तेमाल करें और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हर एक साइट पे मत जाइए, आपके ब्रेन को डैमेज करता है। हम क्यों कह रहे हैं सेक्सुअल अब्यूज, 18 साल से कम उम्र में
जो ब्रेन होता है वो मेच्योर नहीं होता है, बॉडी भी मेच्योर नहीं होती है सेक्स करने के लिए। इसीलिए उस उम्र में जब सेक्स भी अगर कोई करता है तो आपके ब्रेन को डैमेज करता है वो, आपके ब्रेन के में जो पर्सनालिटी है, जो फीचर्स है आपके पर्सनालिटी के, आपके जो थॉट प्रोसेस है उस पर सीरियस इम्पैक्ट आता है। क्योंकि हो सकता है कि टीन एज में हार्मोन्स ऐसे डेवलप होते हैं कि हम लोगों की टेंडेंसी होती है सेक्सुअली एक्टिव होने की, लेकिन प्लीज 18 साल तक आप लोग इंतजार करें। यहीं पे एक बात हमें आपसे और करनी है, हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड 18 साल से कम की उम्र के हो, प्लीज उनके संग कोई भी इंटीमेट रिलेशन मत डेवलप कीजिएगा। आपको मैं एक लाइव किस्सा बताती हूँ, मेरे ही वॉलंटियर था एक, और उसकी गर्लफ्रेंड थी 18 साल से कम उम्र की। मुझे पता चला, मैंने उससे कहा प्लीज उसके संग ज्यादा नजदीकियां मत करना क्योंकि बचपना है, कुछ गलती ना हो जाए। उसने कहा नहीं नहीं वो बहुत समझदार है, मैंने उसको सब समझा दिया है और हम लोग तो शादी करने जा रहे हैं। हमने उसको बहुत मना किया, नहीं माना, उसने शादी की। पता चला उस लड़की को उस लड़के की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, शादी के बाद उसके माँ बाप ने, उस लड़की के माँ बाप इन्वॉल्व थे इसमें, उन्होंने उसके ऊपर पॉक्सो का केस लगा के उसको जेल भिजवाया। खैर गनीमत थी उसके लड़के के माँ बाप मेरे पास आए थे जिस टाइम वो शादी करने जा रहा था, तो हमने मना किया था माँ बाप को कि इससे कोई शादी ना करे, तो उन्होंने कहा मान नहीं रहा है, तो हमने कहा एक काम करो इसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दो। तो उन्होंने उसकी शादी के पहले उसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था, उसकी वजह से उस लड़की की सारे ख्वाब धरे रह गए, लेकिन वो लड़का जेल जरूर चला गया, उसकी सरकारी नौकरी थी वो चली गई। और आपको बता दें सिर्फ इतना एक वाइज डिसीजन टाइमली हो गया कि माँ बाप की प्रॉपर्टी बच गई, पर उस बच्चे पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। अब वो निकल के आया हम लोगों के प्रयास से बाहर, परंतु आपको बता दें प्लीज आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इमोशनली वीक मत होइएगा। मेक इट अ पॉइंट कि 18 साल से पहले आप लोग को बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ना तो आपकी बॉडी तैयार है ना आपका ब्रेन आपकी बॉडी के साथ तैयार है। तो आप अपनी पर्सनालिटी को, अपनी जिंदगी को खुशहाल रखिए, आगे बढ़िए, और आगे बढ़ के जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, चीज को टाइम पे करना है। हम लोगों को अक्सर सेक्सुअल अब्यूज होती है उसकी रिपोर्टिंग बहुत कम हो रही है, उसकी वजह क्या है? लोगों को डर होता है कि हमको लोग दोष देंगे कि हमारी गलती है, डर ये भी होता है कि कोई मानेगा नहीं, ये भी होता है कि अक्सर अब्यूजर को वो लोग जानते हैं, तो जब जानते हैं तो कैसे उसके बारे में बात करें, और समाज भी ये लगता है कि समाज हमको कैसे देखेगा कि हमारे संग ये हुआ, इसके मतलब हमने कुछ गलत किया है। इससे भी ज्यादा जो बहुत जरूरी बात है कि हम लोग सेक्स और सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात नहीं करते। जैसे हमने बताया प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, आज भी हम जानते हैं कि हमारे माँ बाप बच्चों से ये बातें तो करते हैं कि तुम्हारा आँख है, ये तुम्हारे शरीर में नाक यहाँ पे है, हाथ यहाँ पे, लेकिन हम लोग अभी भी बच्चों को नहीं बताते हैं कि ये तुम्हारा ब्रेस्ट है, ये तुम्हारा वजाइना है, ये तुम्हारा पेनस है, ये तुम्हारा एनस है, और ये प्रोटेक्ट करो, ये इंपॉर्टेंट शरीर के हिस्से हैं, इनको नहीं छूने दो किसी को, सिर्फ जब जरूरत हो इलाज की तब जरूरत, तब छूना ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है। ये सब नहीं बातें कर रहे हैं, ये बातें करने की जरूरत है। इसमें क्या खराब, शरीर का हिस्सा ही तो है, अगर आंख शरीर में है वो ठीक है बोलना, तो वजाइना बोलने में कैसे गलत हो गया, पेनिस बोलने में कैसे गलत हो गया, नहीं होता है। हम लोगों को सिर्फ अपने माइंड सेट से ये हॉ वाला कॉन्सेप्ट हटाना कि ये हॉ पार्ट है, हॉ नहीं है, शरीर का हिस्सा है, और ये प्राइवेट पार्ट जरूर है, इसके ना तो इन प्राइवेट पार्ट्स के नाम लेके किसी को चढ़ाया जाना चाहिए, ना ही प्राइवेट पार्ट्स से किसी को देखना चाहिए, ना दिखाना चाहिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट शरीर के हिस्से हैं बस। तो ये जरूरी बात करने की जरूरत है, जिससे कि हम लोग इससे होने वाले हादसे से हम लोग आपस में अपने छोटे भाई बहनों को, आस पड़ोस के बच्चों को बचा सके, और हम लोग एक बेहतर और स्वस्थ जीवन आगे के लिए जी पाए। अच्छा एक बात और है, अगर मान लीजिए आपने अपने भाई बहनों को सिखाया और उस बच्चे ने आके आपसे कहा कि उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुई है, जब उसको पता चला कि क्या हुआ था, आपको करना क्या है उस टाइम? आपको उस बच्चे को पूरी सपोर्ट देनी है, एंड यू हैव टू टेल That you believe the child. आपको बच्चे पे पूरा भरोसा है, और फिर बच्चे से बहुत उसको पूरा सपोर्ट देके, पूरी हिम्मत देके, और उसका साथ देते हुए उससे पूछे कि पूरा क्या हुआ था। जब वो बता दे तो उससे कुछ बातों का खास ध्यान रखें कि आपको क्या नहीं करना है। एक तो बच्चे से ये नहीं कहना है कि आप किसी को बताएंगे नहीं, जैसे ही आपने कहा बच्चे को लगेगा कि कुछ गलत हो गया है, ना ही आपको गुस्सा आना चाहिए, ना ही आपको दुख दिखाना चाहिए, ना ही आपको शॉक लगना चाहिए, अरे ये कैसे हो गया,
कोई बात नहीं, कुछ हो गया अगर तो हो गया, अब उसके आगे क्या करना है हम लोग को उस पर काम करने की जरूरत है। अगर हो जाए तो आपको सबसे पहले जो एक चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जब सेक्सुअल अब्यूज होता है तो पुलिस आती है, जब पुलिस को रिपोर्टिंग होती है तो एक उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पुलिस करेगी, पुलिस करेगी या स्पेशल पुलिस होगी तो वो भी साथ में आएगी। जब ये हो जाएगा तो बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेकेंड लाइन में CWC टू डिटरमिन चाइल्ड स्टे, ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास पुलिस इन्फॉर्म करती है, वो इंटरवीन करते हैं और उसके बाद बच्चे को पहले मेडिकल के लिए लेके जाया जाता है। मेडिकल के टाइम पे भी अगर फीमेल है तो फीमेल डॉक्टर ही देखेगी और बच्चे के साथ हमेशा कोई रिस्पॉन्सिबल एडल्ट जरूर होगा और वो एडल्ट वो होगा जिसपे बच्चे को भरोसा है, ये भी बहुत जरूरी बात है। इसके अलावा बच्चे का स्टेटमेंट जो होगा वो तुरंत जज के पास ले जाके स्टेटमेंट किया जाएगा, कोई भी मजिस्ट्रेट होगा वो असाइंड होते हैं पहले से, स्पेशल कोर्ट होती है जहाँ पे एक्शन होगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का क्या रोल है वो बता दें आपको, ये वेलफेयर कमेटी अगर मान लीजिए बच्चे के घर में ही अब्यूज हो रही हो सकता, उसके पेरेंट्स में से ही कोई कर रहा हो सेक्सुअल अब्यूज, तो उस बच्चे को वहां से हटाना पड़ता है। ऐसे में फिर उसको या तो शेल्टर होम भेजा जाता है या केयर सेंटर पे, चाइल्ड केयर सेंटर पे भेजा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिसाइड करती है। और उसके बाद ये भी डिसाइड करती है कि बच्चे को किसके पास जाना है, फैमिली के पास, कोई और गार्जियन के पास, है फिट पर्सन, जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी NGO की मदद से डिसाइड करती है, चिल्ड्रन होम में जाना है। इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, अगर किसी बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है तो उसकी काउंसलिंग बहुत जरूरी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कंपलसरी है, जिससे कि उसके ऊपर पर्सनैलिटी का उसका इम्पैक्ट ना होने पाए। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसी टाइम पे एक सपोर्ट पर्सन असाइन करता है, सपोर्ट पर्सन कोई NGO का सोशल वर्कर होता है। उसी के बाद जो दूसरी जो जरूरी बात है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बाद जो कोर्ट होता है, कोर्ट का क्या रोल होता है, कोर्ट बच्चे से स्टेटमेंट लेता है और वो बच्चे के लिए, अगर मान लीजिए बच्चा नहीं वो भाषा बोल पाता जहाँ पे वो ये हादसा हुआ है, तो बच्चे की जो भाषा है उसका ट्रांसलेटर कोर्ट अरेंज करेगा, कोर्ट करता है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के थ्रू, और अगर वो नहीं है तो कोर्ट करेगा ये। इसके अलावा जो दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, उस विक्टिम को, उस बच्चे को जिसका संग हादसा हुआ है, उसको कंपनसेशन 30 दिन के अंदर जरूर इंटरिम कंपनसेशन इशू करेगा, और वो इशू जब करेगा तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को कंपनसेशन मिल जाए, उसको अश्योर करे। और उसके अलावा एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी असाइन किया जाएगा, एक बच्चे को वकील भी दिया जाएगा, ये सब काम कोर्ट का होता है, स्पेशल कोर्ट्स करीब करीब हर शहर में बन गए हैं। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि ये केसेस एक साल के अंदर कंप्लीट होने जरूरी होते हैं और बच्चे को इंटरिम रिलीफ तुरंत जो फाइनेंशियल मदद है वो महीने भर के अंदर मिलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हो तो आप लोग हमें बताइएगा, हम लोग आपकी पूरी मदद इस तरह के केसेस में करेंगे। हमारा ये सेशन खत्म हो गया है, आप लोगों को किसी को भी अगर कुछ सवाल हो। अर्चना जी, कुछ बच्चों ने चुप्पी तोड़ी है, आपका लिखा आया था चुप्पी तोड़ो जी, तो बहुत ही खुशी की बात है जी। और ऐसे में हम यही चाहेंगे कि हमारा आप लोगों से यही कहना है कि हम लोग यहाँ पे हैं आपके लिए, आप लोग प्लीज हमें, आपको बहुत जरूरी है कि आप काउंसलर से बात करें, हमारे पास हैं ऐसे लोग जिनसे आप बात करें, क्योंकि इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। आप लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे लेकिन ये ट्रॉमा रहने से आपकी पर्सनालिटी पे असर पड़ेगा, उसको खत्म करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आप सहयोग करिए, हम आपका पूरा साथ देंगे। तो वो जो है आप हमारा नंबर उनसे शेयर कर दीजिएगा मैम, और हम चाहेंगे कि हम वहीं पे आके आपके साथ मिलके इन बच्चों से बातें जरूर करना चाहेंगे, अगर ये लोग बच्चे चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ प्रश्न आए हैं, मैं वो पढ़कर एक एक बताऊं आपको। लक्ष्मण लिख रहे हैं कि मैम, अगर कोई लड़की जो कि 18 साल से कम है और अपनी मर्जी के साथ किसी नाबालिग लड़के के साथ ही शादी कर लेती है और रिलेशनशिप में है और वो नहीं मान रही है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? लड़का भी 18 साल से कम का है? वो 21 साल से कम का है अगर लड़का।
21 साल है, पॉक्सो में 18 साल माना गया है। तो अगर वो 18 साल से कम का लड़का भी है, ये अपराध है। लड़का कम नहीं है, लड़का 18 से ऊपर है, लड़का 18 से ऊपर है तो उस लड़के पर पॉक्सो एक्ट लग जाएगा। वो लड़की अपनी तो जिंदगी खराब कर ही रही है, उस लड़के की जिंदगी भी खराब कर रही है, क्योंकि उसको जेल होगी। देयर इज नो लॉ, अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज इन्फॉर्म द पुलिस, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन नॉट हाइड इट। हमें तो आपको जेल होगी, ये आप जरूर कम्युनिकेट कर दीजिए। सीडब्ल्यूसी प्रिवेंशन सेल हर जगह मेल किया जा चुका है अर्चना जी, कहीं से कोई सुनवाई नहीं। मैम आप ऐसा करिए, हम आपको ऐप भेज रहे हैं, ऐप के थ्रू करिए और फिर मैं एक्शन लूंगी इस पे, फिर आई विल इंटरवीन। ठीक है, आई विल कम, आप प्लीज हमें बताइएगा इसके बारे में, आई वर्क ओवर इट। ठीक, मैं ऐप की लिंक अभी मैम आपको शेयर कर देती हूँ, आप मुझे ये ऐप आप सबको शेयर कर दीजिए, और इस ऐप से प्लीज आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए, ऐसा हो नहीं सकता है कि एक्शन ना लिया जाए, अगर नहीं लिया जाएगा तो आई एम हियर, आई विल वर्क ऑन। मेरे पास पूरे सबूत हैं कि हर जगह मेल की गई है, तो बहुत ही दिस इज शॉकिंग। दूसरा जी वो अगर सबूत शेयर कर देंगे तो उससे भी मैं कर लूंगी काम। एक और प्रश्न आया है, अगर किसी का रेप हुआ है और उसने अपने परिवार वालों को बताया और उन्होंने रिपोर्ट करने से मना कर दिया, और पर जिसके साथ हुआ है वो बताना चाहता है, तो क्या रिपोर्ट हो सकती है बिना परिवार वालों को बताए? बिल्कुल, ऐप के थ्रू, यूज ऐप, यूज द एनोनिमस फीचर, और अगर दिक्कत आ रही है तो आई विल एक्सप्लेन अगेन उसको, आपको हम फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे कि कहां पे एनोनिमस फीचर वाला ऑप्शन है। प्लीज रिपोर्ट, इट इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट, नहीं तो आपको भी जेल होगी, आप छुपा रहे हैं इसको। प्लीज 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 इन्फॉर्म, नहीं दिक्कत आ रही हो, आई एम हियर फॉर यू, प्लीज लेट मी नो, आई विल टेक केयर, पर आप ऐप से प्लीज रिपोर्ट करिए, नहीं तो आप हमें बता दीजिए, आई विल टेक इट टू द राइट पीपल एंड गेट इट, परिवार को पता भी नहीं चलेगा और एक्शन होगा। एक और प्रश्न आया है मैम, अगर किसी लड़की की शादी हो रही है और उसकी मर्जी उसके मर्जी से, लेकिन ही इज अंडर 21, तो इज ही स्टिल अंडर 18, क्या मतलब, अगर लड़का 21 साल से छोटा है और उसकी शादी हो रही है तो उसके बावजूद भी इस पे वो वाला एक्ट लगेगा, चाइल्ड मैरिज एक्ट, क्योंकि चाइल्ड मैरिज एक्ट में लड़के को 21 का होना जरूरी है, तो वो अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है तो पुलिस को उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और मैंने कॉल किया है 1098 पर बीइंग एनजीओ में, तो मुझसे वहां पर ये बोल दिया जाता है, वो ले लेते हैं कि उसके बाद ये हो जाता है कि मैम ये तो रोज हो रहा है, अब जब पेरेंट्स आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? What? नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हैं, आप 1098 में बजाय 1098 पे अंडर 18 का होता है, आप इसको जो है उसमें इन्फॉर्म करिए। मैंने तो मैंने जिन केसेस के लिए किया था वो 1098 पे किया था, तो वो मुझे ही समझा रहे थे, मैंने कहा कि फिर पॉक्सो एक्ट आने की जरूरत क्या है अगर होता है इस स्थिति में। आप उस एक्टिविस्ट मतलब कि जो वहां पे हेल्प पे बैठा था उसका नंबर दीजिए, उसका नाम पता कर लीजिए, या उसका कोड होता वो पता कीजिए, उन पे एक्शन होगा। नहीं मुझे तो नाम तो याद नहीं है, मेरे पास सारी मेल है, मैं सारी मेल आपको भेज सकती हूँ कि मैंने दिल्ली तक प्रोटेक्शन सेल में मेल किया है पता करके, वहां पर भी बकायदा प्रूफ फोटोग्राफ के साथ मैंने मेल किया है। अरे पुलिस पे ही एक्शन होगा, पुलिस के ऊपर एक्शन होगा मैम इसमें तो, क्योंकि आपने पुलिस को इन्फॉर्म जरूर किया होगा, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। FIR हुई थी या नहीं हुई थी वो मुझे नहीं पता चल पाया, आप हमें डायरेक्ट कर दीजिए, आई विल टेक एक्शन। ठीक है, एक और प्रश्न है मैम, अगर कुछ हादसा हो भी जाता है और फैमिली को पता चल भी जाता है, लेकिन वो आगे से क्यों नहीं कुछ इसके बारे में कुछ एक्शन लेते, उस मैम कैसे बदले? Yes. वेरी सीरियस एंड वेरी इम्पोर्टेंट, सॉरी आप अपना क्वेश्चन खत्म कर लीजिए मैम। हाँ यही था बस मैम, और एक और है, यही हम कहना चाहते हैं, एक और प्रश्न जी, वो अलग है, इसको पूरा कर लेते हैं फिर वो अलग प्रश्न। यही हम कहना चाहते हैं कि फैमिली नहीं समझ रही है हमें, यही इसीलिए हमने आपको थैंक्स बोला था कि आप एक एक इंसान को पूरा जीवन समझ रही है, फैमिली नहीं समझ रही कि वो बच्चा भी पूरा एक जीवन है,
वो भी कल को बड़ा होकर समाज का बड़ा सा हिस्सा बनेगा, उसको उसके ऊपर इन चीजों का कितना गलत इम्पैक्ट होने जा रहा है, उसका कितना नुकसान होगा। ये फैमिली बहुत इग्नोरेंट है और इसके लिए मतलब सिर्फ यही है कि पुलिस में कंप्लेन कीजिए, बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। आप लोग ऐप से करिए, ऐप से पता भी नहीं चलेगा उनको फैमिली को कि आपने किया है, समझे? और मतलब कम से कम एक्शन हो जाएगा, तो आप प्लीज इसको जरूर करिए। दूसरा प्रश्न है, इफ कोई पोर्नोग्राफिक वीडियो शेयर करे किसी से के मोबाइल पर तो क्या वो पॉक्सो के अंडर आएगा? चाइल्ड पोर्नोग्राफी है और या तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है तो पॉक्सो में आएगा, या उसने बच्चे को भेजा है ये वीडियो तो उसमें आएगा पॉक्सो में। इसमें से दो कौन सी चीजें ये क्लियर नहीं हो रही है, पर यह है कि वैसे भी ये सेक्सुअल हैरेसमेंट तो होता ही है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट में भी आ सकता है ये सेक्सुअल हैरेसमेंट। इस टाइम पे तो अगर किसी लेडी वगैरह को भेज दिया तो भी अरेस्ट होगा, ये लेडीज के लिए भी अब रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट के। एनी अदर क्वेश्चन? जी और मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही, बहुत बढ़िया जी। असल में मेरे यहाँ कुछ नेट का इशू हो रहा है अभी। बाकी तो प्रश्न वही है, बच्चे वही कह रहे हैं, बेटियों का यही प्रश्न है कि फैमिली वाले पहले क्यों नहीं समझते, बाद में क्यों समझते हैं जब बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है? यही हम लोगों की प्रॉब्लम है, इसी पे हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। और अब बच्चों जितने लोगों ने यहाँ पे लिया है, अभी हम आप लोग को ओथ दिलाएंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब लोग अपना राइट हैंड अपने दिल पे रख के हमारे साथ वो रिपीट करेंगे। यही समस्या है कि फैमिली इस बात को समझ नहीं रही है कि कितना गंभीर मुद्दा है और बच्चे के ऊपर कितना तगड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग पढ़ने जा रहा है, ये फैमिली जानती नहीं। इट इज फैमिली इज ऑल्सो इग्नोरेंट। आपको अभी हमें एक किस्सा बताया, आपको विश्वास नहीं होगा, जब हमने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की अवेयरनेस शुरू करी थी तो हम लोग एक गवर्नमेंट स्कूल में गए, क्योंकि हमें लगा कि वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े स्कूलों में तो बहुत बड़े बड़े लोग चले जाते हैं, वी शुड गो देयर, क्योंकि हम लोग फ्री करते हैं वर्कशॉप्स। तो जब हम लोग गए तो हमने प्रिंसिपल से कहा हम लोग करना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल ने कहा कि देखिए यहाँ पे पेरेंट्स बहुत गरीब आते हैं, दिहाड़ी वाले, उनके पास पैसे नहीं है, इतना टाइम नहीं होता कि आपकी बात सुन पाए। तो हमने कहा मैडम कोई तो एक दिन आते हैं, हाँ वो फीस वगैरह जब वो पैसे लेने होते तब आते हैं, वो एक फिक्स डे होता है। तो हमने कहा मैम उसी दिन हम वर्कशॉप करेंगे, क्या मैम 15 मिनट से ज्यादा मत करिएगा क्योंकि कोई भी रुकेगा नहीं। हम लोग 15 मिनट की तैयारी से गए और आपको विश्वास नहीं होगा मैम, जब हम लोगों ने बताना शुरू किया 2.5 घंटे उन पेरेंट्स ने हम लोग को छोड़ा नहीं, और आखिर में उन्होंने यही बोला, और हस्बैंड मतलब कई किसी के फादर आए थे, किसी के मदर आए थे, और सब वाकई में गरीब थे लोग, और उन्होंने कहा कि मैम आज हम लोगों की दिहाड़ी खत्म हो गई, लेकिन हमें आज ये एक बात जान के खुशी हुई, हम लोग ये सोचते थे कि हम लोगों के संग ये सब बचपन से हुआ तो ऐसे ही जिंदगी होती है, लेकिन आज पता चला कि ये गलत हुआ था और हम अपने बच्चों को जरूर बचाएंगे। तो मैम ऐसी बात है कि वो पेरेंट्स भी बेचारे इग्नोरेंट है, उनको पता ही नहीं है कि कितनी खराब चीज हो रही है, उन पेरेंट्स को भी बताने की जरूरत है। बट हमारे बच्चे अब ये काम करेंगे कि वो अपने पेरेंट्स को भी समझाएंगे और अपने छोटे भाई बहनों को, अड़ोस पड़ोस के छोटे बच्चों को भी बताएंगे। और आज मैंने जो इतना डिटेल बताया सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यूथ मुझे दिख रहा है यहाँ पे और काफी एनर्जेटिक है, तो दे कैन आई मीन प्ले अ वेरी बिग रोल टू स्टॉप इट। जी मैम, तो और हमारी टीम से बहुत सारे थैंक यू मैसेजेस हैं। पहले मैं पढ़ देती हूँ, गीतिका मैम लिख रही हैं, बाय फॉर द मोस्ट इंफॉर्मेटिव सेशन आई सेट इन, प्लीज एक्सेप्ट आर थैंक्स फॉर अ ग्रेट सेशन। अर्चना जी, सेक्सुअल अब्यूज इजंट ऑलवेज सेक्स, इट कैन ऑल्सो इंक्लूड अ रेंज ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर दैट कैन बी फिजिकल, वर्बल और इमोशनल। फिर जया जी लिखती हैं, थैंक्स फॉर द वंडरफुल सेशन अर्चना जी एंड अनुभूति जी, इट्स हार्टनिंग टू सी दैट चिल्ड्रन आर शेटरिंग देयर साइलेंस एंड ओपनिंग अप, होप द ग्रेट इनिशिएटिव गोज अ लॉन्ग वे इन रिफॉर्मिंग द सोसाइटी। सर्जना लिख रही हैं, सर्जना इज अगेन एसोसिएटेड विद अनदर एनजीओ कॉल्ड प्रयास, शी इज ऑल्सो देयर इन द सेशन। थैंक्स for this amazing session which has opened so many doors and so many hearts here, very nicely done and so cleanly explained to these young minds. Keep it up and don't give up. Thank you. Any other questions? Any other questions from anyone? Aapko kuch bhi puchna hai, anything what you want to ask, just open up.
लक्ष्मण ने एक लिखा था कि मैम अगर व्हाट्सएप पर कोई गलत मैसेज कर रहा है किसी बच्ची को तो क्या किया जा सकता है? तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, इट फॉल्स अंडर चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसमें तुरंत अरेस्ट होगा जिसने ये मैसेज किया है। और अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे पुलिस को तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि आपको पता था और आपने बच्ची को बचाने की कोशिश नहीं की, तो इसलिए प्लीज आप तुरंत इन्फॉर्म करिए। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात बता दें आप लोगों को, आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखा होगा जिसमें माँ बाप बता रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ है स्कूल में और स्कूल वाले कर नहीं रहे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी सबसे कि आप लोग मदद करिए FIR करने में। उन पेरेंट्स को जेल भेजा गया था। अब हम आपको बता दें क्यों हुआ था ये, क्योंकि उन पेरेंट्स ने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी थी, उस बच्ची के प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी पे इसकी वजह से इंफ्रिंजमेंट हुआ और इस वजह से उनको जेल हुई थी। इसके साथ एक और बात जरूरी बताना है, अगर मान लीजिए, क्योंकि मैं एक्टिविस्ट हूँ तो मेरे पास कई फोटोज आ जाते हैं कि देखो इस बच्ची का रेप हुआ, रेप मतलब रेप के टाइम का फोटो आ जाता है, उसका बेचारी का खून बह रहा होता है और वो फोटो हमको भेज दिया जाता है कि ये देखो कितना गलत हो रहा है। जो ये भेज रहा है वो भी अपराधी माना जाता है, उसको भी जेल होगी। तो आप लोग अपने ग्रुप में प्लीज डाल दीजिए सबको कि कोई भी आपको किसी भी तरह का विजुअल्स या टेक्स्ट फॉरवर्ड इस रिलेशन में ना करे, क्योंकि अगर आपको किया है तो आपकी ड्यूटी है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें या फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करें जिसने ये आपको भेजा है। ये आप लोग प्लीज सब लोग बहुत अलर्ट रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से जेल हुई है, उन बेचारों को पता ही नहीं था, उनके पास तो सिर्फ फॉरवर्ड आया तो उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया उसको और उनको जेल हो गई, क्योंकि वो ट्रेल जब ट्रैक की गई और वो बेचारे जितने लोग ट्रेल में थे सबको जेल हुई या अरेस्ट हुए या मतलब मुश्किल पर पड़ गए, किसी को वो लेना पड़ा, बेल वेल करवानी पड़ी, पर बहुत नुकसान हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुई। तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू बिहेव नाउ, इट्स वेरी क्रूशल। और प्लीज इंटरनेट का बहुत जिम्मेदारी से यूज करिएगा, बहुत खतरनाक है। हाँ, बहुत यूजफुल भी है, बहुत फायदेमंद है, मेरे को तो इंटरनेट से बहुत फायदा होता है, मतलब मुझे तो बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू नो हाउ मच यू कैन डू। एनी अदर क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चन? किसी बच्चे को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? तो हम लोग ओथ ले सकते हैं? जी बिल्कुल मैम। ओके, आप लोग की स्क्रीन पे आ गई होगी प्लेज, अपना राइट हैंड अपने दिल पे रख के और बस जस्ट रिपीट आफ्टर मी और यू कैन जस्ट टॉक अलाउड। आई प्लेज टू स्टेप इन एंड टेक ऑल एक्शन इन माय पावर टू प्रिवेंट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज टू मेक पीपल अवेयर About child sexual abuse. To break my silence. To help. And to heal. Heal. Yeah. Thank you. Thank you so much, ma'am. You're welcome. And I just want to let all of you know, it was really a very delighted session for me. And thanks a lot to all of you. सबसे ज़्यादा thanks कि मैं इस बात की खुशी है कि बच्चे इसमें बहादुर हैं और वो उनमें से हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक बार बता दें, जब आप चुप्पी तोड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, चुप्पी आपको पीछे खींचती रहेगी। चुप्पी तोड़िए, आगे बढ़िए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए, अपने देश को दुनिया का सबसे बेहतर देश बनाइए, और ये आपके ही हाथों में है और हम और आप ही करेंगे, कोई नहीं आएगा बाहर से। कोई अवतार नहीं होता है, अवतार जब होगा तब देखा जाएगा, अभी हम और आप तो कम से कम अपना काम कर लें, ठीक है? एंड अनुभूति मैम, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और प्लीज आप जो कर रही हैं मेरी आपको पूरी सपोर्ट है, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत कम एनजीओ इस तरह के काम कर रही हैं। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट, इट्स नॉट जस्ट आई एम सेइंग इट, आई एम टेलिंग यू, यू आर अमेजिंग।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच टू मीट सच ए वंडरफुल टीम ऑफ योर्स. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू मैम. एंड रियली आपने जो बात कही बेटों को लेकर कि बेटे कोई रेपिस्ट बन के पैदा नहीं होता और उनके साथ भी बचपन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, और अब ऐसे आ गया है रिपोर्ट, सर्वेज ऐसे हुए हैं जहाँ पर मैं वही अभी मेरे कानों में गूंज रहा है कि 80% बच्चों के साथ में कुछ ना कुछ हुआ होता है और हम उनको बहुत गलत ढंग से लेते हैं. तो पिछले अब 9 महीने से तो खैर हम लोग घरों से काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले करीब 7 से 8 महीने क्योंकि हम थिएटर भी करते रहे हैं और बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग थिएटर बच्चों ने किए हैं और डीयू के बच्चों के साथ उन्होंने कंपटीशन करके जीता है हमारे बच्चों ने तो थिएटर में. तो हमने थिएटर में भी हम इस बात को लेकर आना चाह रहे थे, उस किसी थिएटर के बहाने भी इस चीज को लेकर आना चाह रहे थे कि कोई लड़का रेपिस्ट बन के पैदा नहीं होता, उससे पूछो ही कि उसने ऐसा क्यों किया, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इस तरह से कन्वर्ट हो गया या वो इतने घिनौने अपराध में चला गया. तो इसमें बहुत ज्यादा हमें जरूरत है कि हम जितना बेटियों के साथ काम करें उतना ही बेटों के साथ भी काम करें, क्योंकि बेटियों से तब भी हम लोग पीरियड्स को लेकर और चीजों को लेकर हम उनको चाहे दबाने के लिए बात करें, चाहे उनको ना बताने के लिए या जो भी करने के लिए बात करें, लेकिन बेटियों से कर लेते हैं. बेटों से तो हम उतना भी बात नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है बेटे तो अपने आप ही सीख लेंगे, लेकिन बेटों के दिल में दिमाग में इतने सारे प्रश्न चल रहे होते हैं कि उनका सवाल उनका जवाब देना जरूरी हो जाता है जितना बेटियों के सवालों का जवाब देना. जी. तो मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जितने भी लोगों ने कहा है उनके लिए काउंसलिंग अवेलेबल है हमारे पास, उन बच्चों से कहिएगा वी आर अवेलेबल फॉर देम, जरूर से याद कह दीजिएगा उनसे. हेलो जी, ठीक है, आप मुझे ऐप का लिंक भेज दीजिएगा, मैं बच्चों के पास तुरंत ही आपका लिंक भेज दूंगी. और भेज दिया मैम, मैंने व्हाट्सएप कर दिया आपको. अच्छा, आपने मुझे भेज दिया है, ठीक है, तो मैं बच्चों को भेज दूंगी और जो भी उसका यूज करना चाहते हैं, अगर बच्चे कोई भी इशू फेस करते हैं तो वो मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं और फिर मैं आपसे पूछ लूंगी कि और उसमें किस तरह से हम काम कर सकते हैं. इन बच्चों से कहिए कि जितने भी इनके छोटे भाई बहन है सबको वो डाउनलोड करवा दे. उसकी वजह है उसमें होगा क्या कि उसमें अवेयरनेस का बहुत अच्छा स्क्रीन आते हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्टून में, बहुत सिंपल फॉर्म में, तो कई सारे बच्चों की अवेयरनेस जब हो जाएगी ना. ऐप का यूज करने का एक अलग से सेशन चाहेंगे तो 5-10 मिनट का ऐप का यूज करने का सेशन फिर से करना चाहेंगे तो कर देंगे, या अभी कहेंगे तो हम बता दें. 2 स्क्रीन उसके जरूरी है बताना, अगर आपके पास बच्चों के पास 10 मिनट टाइम हो तो हम बता दें. जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कर सकते हैं ना, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वो आप लोगों के लिए. सबके लिए हम अभी स्क्रीन पे बताते रहे कौन सा वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्क्रीन है जिसका कि वो लोग सबसे ज्यादा यूज करके बहुत ज्यादा चेंज ला सकते हैं. ये वाला इसकी हमें बताएं, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये जो है जब यहाँ पे आता ना 3 लाइन है, ये वाला, ये जिसमें स्पीकर वाला एक फेस बना है, इस जब बटन को टच करेंगे तो ये स्क्रीन आएगा हमें बताएं. इसमें ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में भी, अगर यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज करेंगे ना, भाषा बदले वगैरह का, ये वाला 3 लाइन वाला को जब टच करेंगे तो ये स्क्रीन आएगा. और ये आएगा जब एक व्यक्ति है उसके स्पीकर सा बना हुआ मुंह पे, जब उससे करेंगे तो कंप्लेंट होती है. तो यहाँ पे है कि यहाँ पे नाम लिखेंगे आप अपना, यहाँ पे मोबाइल नंबर की ओर से रिपोर्ट है, यहाँ पे स्वयं है, स्वयं की जगह इसी पे ऑप्शन है अदर. अदर मतलब एनोनिमस के लिए अदर शब्द दिया था हमने, अन्य, क्योंकि एनोनिमस करने में ज्यादा कठिन शब्द हो रहा था तो उसको अन्य दिया है. जब अन्य को करके आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे इंसिडेंस को और जब इन्फॉर्म कर देंगे तो तुरंत 2-3 एजेंसी से आपको कॉल आएंगी, और 2-3 एजेंसी से कॉल आने की वजह से हम जानबूझ के पूरा डिटेल एजेंसी के नाम नहीं बता रहे जिससे कि कोई मिसयूज ना कर ले इसका, तो उसकी वजह से तुरंत ही एक्शन लेना पड़ता है. तो आप इस स्क्रीन को हर बच्चे को जरूर सिखाइएगा,
कि जो सबसे पहला वाला स्क्रीन है वो है, आपको दिखा देते हैं, ये वाला स्क्रीन सबसे पहला वाला आता है। इसमें बच्चों के लिए जागरूकता है, अभिभावकों के लिए जागरूकता है, शिक्षकों के लिए जागरूकता है, पॉक्सो अधिनियम है। ये इस वाले बटन को टच करके जो स्क्रीन आता है वो ये वाला आता है। इसके थ्रू कंप्लेंट्स एनोनिमस करिए, स्वयं की जगह अन्य करिए, अन्य का मतलब एनोनिमस है, और ये हर बच्चे को जरूर सिखा दीजिए। उसके बाद बच्चे अवेयरनेस तो अपने आप ले लेंगे देख के, और पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए भी, टीचर्स की अवेयरनेस का भी इसमें है। पॉक्सो एक्ट अलग से पूरा दिया हुआ है, पॉक्सो एक्ट बेसिक फॉर्म में है। ये सब इतना अगर आप सिखा देंगे तो आप समझ लीजिए कि बच्चों को आपने बहुत पावर दे दी है। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बच्चों से जब बात करें, बच्चों से कहें कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन बच्चों को ये जरूर बता दें कि इस कानून का वो लोग मिसयूज ना कर दें, कि किसी से मम्मी से जैसे गुस्सा हो गया तो मम्मी के नाम पे कंप्लेंट कर दें, ऐसा ना करें। इसको तभी यूज करें जबकि ये बिल्कुल जरूरी हो। ये आप लोग जरूर सिखाइएगा बच्चों को, लेकिन बच्चों को एम्पावर करना बहुत जरूरी है, बच्चों को समझाना जरूरी है। तो अगर माँ बाप नहीं बता पा रहे हैं तो बच्चे इस ऐप से सीख लेंगे कि उनके प्राइवेट पार्ट्स क्या है, क्या सेफ बिहेवियर है, क्या एडल्ट्स का अनसेफ बिहेवियर है, उसके डिफरेंस बच्चों को अगर आ जाएगा तो बच्चे अपने को बचा पाएंगे। 90% टाइम्स बच्चे सुरक्षित रहेंगे सिर्फ इस अवेयरनेस से, और 10% हादसे तो कभी भी हो जाते हैं, उसके लिए तो नोबडी कैन हेल्प, लेकिन अधिकतर बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे उससे। तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा, हम चाहेंगे हर बच्चा कम से कम 10 बच्चों को ये ऐप जरूर डाउनलोड करवाए, और हम चाहेंगे 8 साल से ऊपर के बच्चों को करवाइए जरूर, 8 साल से कम उम्र के बच्चों को इसके बारे में बताइए जरूर, उनसे कम्युनिकेशन ज्यादा क्रिएट कर लीजिए आप लोग। ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसके आधार पर बता रहे हैं। और आपको बता दें लड़कों का ये, क्योंकि हमारे साथ जितने आवाज चली गई मैम, मैम उनका नेट इशू हो रहा है तो। हाँ, मेरा थोड़ा नेट इशू हो रहा है आज। मैं ये बोल रही थी कि ये जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं सारे 13+ में हैं, 100 मतलब ज्यादातर, अभी दूसरी क्लास के कुछ बच्चे हैं उसको छोड़कर, तो ये बच्चे खुद में एक पूरा सिस्टम है, और ये आराम से अपने छोटे वालों को बता सकते हैं। अब इन लोगों की ड्यूटी है कि ये अपने छोटे वालों को उस ऐप से पढ़कर बताएं कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, ये दे शुड लीड फर्दर नाउ। यस मैम, यस, सेफ एंड अनसेफ टचेस जो है ये जरूर बताएं। अभी एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, तो मतलब कि सेफ और अनसेफ टचेस बताना जरूरी है और अच्छा रहेगा, और फिर बच्चे खुद समझदार होते हैं, थोड़ा सा खुद ही अंडरस्टैंड करने लगते हैं और इंटरप्रेट करने लगते हैं, और इंटरवेंशन उनको आ जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो कैसे भागना है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने वो भी दिया है कि कब ना कहना है बच्चों को और कैसे वहां से निकलना है उस सिचुएशन से, वो भी हम लोगों ने उस ऐप में डाल रखा है, और वो काफी इफेक्टिव जा रहा है इसका। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके थोड़े से मैम आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल चाहिए होंगे, जिससे कि हम लोग आपको एक लेटर भेज पाए ऑफिशियल, और आपके बच्चों के नाम अगर मिल जाएंगे तो उनके नाम पे भी सबको ऑफिशियल के उन्होंने अटेंड किया सेशन, एंड दे सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सेशन, जो आप जैसा कि समझिएगा आप भेज दीजिएगा। बिल्कुल, आपको, आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा, मैं उस पर आपको भेज दूंगी सारी, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी ईमेल आईडी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे बस मैं कल तक आपको सब भेज दूंगी। अच्छा, एक प्रश्न जो है वो मेरे व्हाट्सएप पर आया, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ से नहीं फेसबुक से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है ये जो फेसबुक पर गलत वीडियो भेजते हैं उनका कुछ नहीं उनको कुछ नहीं बोला जाता है, उनका क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, फेसबुक का ऊपर तो इंटरनेशनल नॉर्म लगते हैं, अगर कोई अश्लील इंटेंशन का वीडियो आ गया है, पहली बात तो आप फेसबुक को रिपोर्ट करिए, क्योंकि पॉक्सो एक्ट मतलब कोई भी एक्ट यही कहता है कि पहले जहां से सोर्स है वहां पे आप इन्फॉर्म करें उनको, जैसे कि स्कूल में अगर हुआ तो स्कूल हेड को करिए, इंस्टीट्यूशन में हुआ तो इंस्टीट्यूशन हेड को करिए, इंस्टीट्यूशन हेड की जिम्मेदारी है एक्शन लेना, अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं देन यू इन्फॉर्म द पुलिस डायरेक्टली एंड गेट इट सॉर्टेड, उसको जेल होगी। आपको एक किस्सा बताते इसी बात पे, एक हमारे परिचित है, बहुत बड़े दिल्ली के अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी हैं दिल्ली के, वन ऑफ द फ्यू में से, उनकी बच्ची टीनेजर है, उसको जो है व्हाट्सएप पे कोई उसका क्लासमेट
कि उम्र का बनके उससे कम्युनिकेशन शुरू किया। कम्युनिकेशन शुरू करने के बाद, ये इसलिए बता रहे हैं जो आपको रिपोर्टिंग की बात करना है उसके ऊपर, कम्युनिकेशन शुरू किया और कम्युनिकेशन के बाद जो है फिर वो ज्यादा इंटीमेट होने लगा कि अपनी ऐसी फोटो भेजो वैसी, तो वो लड़की समझ गई, उसे तुरंत अपने को बंद किया। जब बंद किया तो क्योंकि तब तक वो ग्रुप में उससे इतना क्लोज हो गया था कि उसके दोस्तों के भी डिटेल जान गया था। जैसे कि हम लोगों से पूछते हैं तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो सब लोग बताते हैं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड वो है ये वो। उसने बदतमीज ने क्या किया, उसके जो वो थे कम्युनिकेशन के जो स्क्रीनशॉट्स थे वो उसके दोस्तों को सर्कुलेट किया ब्लैकमेल करने के लिए कि ये लड़की झुक जा। जब लड़की नहीं झुकी तो लड़की को ट्रॉमा हो गया। फिर दो मित्र ने हमसे कहा कि क्या करें, तो हमने बताया, फिर कानून को उन्होंने इस्तेमाल किया, पॉक्सो एक्ट का, ट्रेस हो गया वो आदमी। लेकिन फिर उन्होंने खुद आगे नहीं बढ़े, लेकिन मैंने कहा कि नहीं एक्शन तो लेना पड़ेगा और फिर उसको जेल करवाया उस आदमी को। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि कानून है, कानून बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, कानून को परसू करना पड़ता है और हिम्मत रखनी पड़ती है। अगर वो ये सोच लेते ना कि हमारी बदनामी हो जाएगी, और किसी को अभी तक नहीं पता ना कभी पता चलेगा, क्योंकि इस कानून में ऐसा है कि ना तो उस मतलब उनके बच्ची के माता पिता का ना बच्ची के बारे में किसी को बताया जाएगा। लेकिन इसी में एक ये सबक मिल गया, उस बच्ची की काफी काउंसलिंग करानी पड़ी क्योंकि उसको इतना ट्रॉमा हो गया। हंसती खेल हमेशा खिलखिलाती रहती थी वो बच्ची, हम तो जानते हैं। उसके बाद वो चुप रहने लगी और रोती रहती थी। इंटरनेट के मिसयूज क्या भोलेपन का जो इग्नोरेंस थी उस बच्चे की, उसने जो यूज किया था उसका इतना ट्रॉमा हुआ है। तो प्लीज इंटरनेट का बहुत ध्यान रखिएगा, और रिपोर्टिंग का असर होता है, एक्शन होता है, आप लोग बिल्कुल डरिएगा ना। तो आप जो बता रही है व्हाट्सएप पे आपको जो मैसेज आया है उसके लिए ये कहना है कि फेसबुक पे वो इन्फॉर्म कर दे तुरंत। फेसबुक एक्शन नहीं लेगा तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, साइबर क्राइम नेट पे ही ऑनलाइन कंप्लेंट हो जाती है। और अगर वो जिसके फेसबुक पे आया अगर वो 18 से कम की है जो बंदा है, तो वो इस पॉक्सो का ये जो हमारा ऐप है इसको यूज करके अनोनिमस रिपोर्टिंग कर दे, बहुत तगड़ा एक्शन हो जाएगा। ये तीन ऑप्शन है, बाकी आप देख लीजिए, अगर दिक्कत हो तो गाइडेंस के लिए आए भैया। ओके, तो और किसी बच्चे को कुछ पूछना है यह सब जानकारी? बाकी मैंने ऐप जो मैम आपने मुझे ऐप का भेजा था लिंक, वो मैंने सब बच्चों को फॉरवर्ड कर दिया है और हम सभी लोग उसको डाउनलोड करेंगे, और भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत पड़े तो बिल्कुल उसका उपयोग हम करेंगे। तो बिल्कुल ये मत डरिएगा कि आपके माँ बाप है, आपका भाई बहन है, कोई नहीं है, आप एक पर्सनैलिटी है द होल कंप्लीट लाइफ, आप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिमेम्बर इट ऑलवेज, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट। अगर कोई इंपॉर्टेंस आपकी नहीं समझ आता तो आप अपनी इंपॉर्टेंस खुद बनाइए। जी बिल्कुल सही बात करी मैम आपने। तो बहुत बहुत सारा धन्यवाद अर्चना जी, आपका इतना इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में इतना कुछ हमने देख लिया है, बहुत सारी चीजें हमारे सामने हमने देखने को हमारे को मिल गई है कि हमें हम बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढते ही चले आ रहे थे लेकिन ढूंढने में मिल नहीं रहा था। लेकिन आपके इस ऐप ने हमें इतना ज्यादा सशक्त बना दिया है इस समय कि हमें लग रहा है कि नहीं, जहाँ पर हम कहीं खो रहे थे कुछ, दोबारा से हम वो पाने के लिए आगे आ सकते हैं, दोबारा हमारी आशाएं जुड़ी हैं। तो हम बिल्कुल जो भी हमारे सामने स्थितियां आई हैं उनको हम आपके आपके थ्रू रिपोर्ट करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को अच्छा एक जिंदगी दे पाए। और बच्चे भी अगर और ये जितने भी बच्चे हैं सारे अपने आप में एक, जैसा आप खुद कह रहे हैं कि अपना अपने आप को ये सशक्त महसूस कर रहे हैं। मेरा शायद नेट बहुत ज्यादा इशू कर रहा है आज, तो मैं पता नहीं कितना मुझे सब सुन पा रहे हैं, मुझे नहीं पता चल रहा है। बहुत सारा धन्यवाद। ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू अर्चना जी, आपकी टीम को सारा धन्यवाद, और गीतिका मैम, जया मैम, सजना, सभी को धन्यवाद, और सभी बच्चों को धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने अच्छे से इस चीजों को सुना और पार्टिसिपेट किया, और अब आप अच्छे से आगे सीख गए हैं और अब आपको पता है कि क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।